हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू फिजिक्स स्कॉलर। तो झारखंड पीजीटी और लैब असिस्टेंट का ये है लेक्चर नंबर 9 और आज की इस क्लास का हमारा टॉपिक है ग्रेविटेशन एंड सैटेलाइट। तो पूरा का पूरा जो आपका ग्रेविटेशन और सैटेलाइट से रिलेटेड टॉपिक है, उस पूरे के पूरे टॉपिक को आज इस क्लास में हम थियरी वाइज कंप्लीट कर लेंगे। मतलब जितने भी फार्मूले हैं, जो भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, जिन टॉपिक्स के ऊपर प्रीवियस ईयर में सवाल आए हैं, वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट, वो सारे के सारे फार्मूले आज की इस क्लास में आपके कंप्लीट हो जाएंगे। अगली क्लास जो होगी वो इनके न्यूमेरिकल्स की होगी, ठीक है। तो आज कोई न्यूमेरिकल डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशन एंड सैटेलाइट से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं, फार्मूले हैं, उन सबको समराइज करेंगे और अगली क्लास में पूरा ग्रेविटेशन आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, फिर अब क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और देखिए, पूरा जो ग्रेविटेशन एंड सैटेलाइट टॉपिक है आपका, उसमें शुरुआत में अगर आपके सिलेबस को देखें तो उसमें है मोशन अंडर सेंट्रल फोर्स, सॉरी पहले सेंट्रल फोर्स है, उसके बाद लिखा हुआ मोशन अंडर इनवर्स स्क्वायर लॉ फोर्स। तो इनवर्स स्क्वायर लॉ फोर्स क्या होता है, हमें उससे पहले ये समझना होगा कि सेंट्रल फोर्स क्या है, सेंट्रल फोर्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, सेंट्रल फोर्स में कितने टाइप के फोर्सेस आ सकते हैं, फिर उसमें से हम लोग पकड़ेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स को, और ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि एक इनवर्स स्क्वायर लॉ फोर्स है, उसके बेसिस पर हम लोग पूरा ग्रेविटेशन पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद हम केपलर्स लॉ, प्लानिटरी मोशन और पूरा सेटेलाइट को हम कवर करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सेंट्रल फोर्स की, और काफी कुछ सेंट्रल फोर्स के बारे में शुरुआत के किसी पहले या दूसरे लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था, जब हम कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव की बात कर रहे थे, तो वहां पर सेंट्रल फोर्स को काफी कुछ डिस्कस किया गया था, ठीक है। वही सारी बातें होंगी, बट यहां पर हम दोबारा से उसको एक बार समअप कर लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात कर लें सेंट्रल फोर्स की। तो आप लोगों ने इसके पहले भी पढ़ रखा हुआ लेक्चर नंबर 1 या 2 में। सेंट्रल फोर्स क्या होता है कि सेंट्रल फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जिसका डायरेक्शन या तो किसी पॉइंट की ओर होता है या फिर उससे दूर होता है ना, टुवर्ड्स द पॉइंट या अवे फ्रॉम द पॉइंट। अगर इस तरह का कोई भी फोर्स है तो वो फोर्स आपका सेंट्रल फोर्स हो सकता है। और सेंट्रल फोर्स जो होता है वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस आर की वैल्यू पर डिपेंड करता है, एंगल पर डिपेंड नहीं करता है ना, ओरिएंटेशन पर डिपेंड नहीं करता, सिर्फ उस पॉइंट से जहां पर आप जिस पार्टिकल की बात कर रहे हैं उसके बीच की जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस के ऊपर फोर्स की वैल्यू डिपेंड करती है, ओरिएंटेशन पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो अगर मान लीजिए यहां कोई पॉइंट है और यहां पर एक दूसरा पॉइंट हमने लिया, और इस वाले पॉइंट पर जो पार्टिकल है उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स का ये डायरेक्शन दिखा रहे हैं, और ये डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड्स द पॉइंट ओ। ये फिक्स पॉइंट ओ जो है उस तरफ अगर यहां पर रखे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लग रहा है, और ये जो फोर्स होता है वो सिर्फ और सिर्फ इस डिस्टेंस पर अगर डिपेंड कर रहा है तो ये सेंट्रल फोर्स हो गया। दूसरे वाले केस में देखिए, यहां पर रखे हुए ऑब्जेक्ट पर इस बार जो फोर्स लग रहा है टुवर्ड्स द पॉइंट नहीं लग रहा है, अवे फ्रॉम द पॉइंट लग रहा है, यानी ये भी सेंट्रल फोर्स का केस हो गया। तो जब भी किसी बॉडी के ऊपर लगने वाला फोर्स टुवर्ड्स अ पॉइंट या अवे फ्रॉम अ पॉइंट होता है तो वो केस होता है आपके सेंट्रल फोर्स का। तो ये दो इंपॉर्टेंट बातें आपको सेंट्रल फोर्स के बारे में याद रखनी चाहिए। किसी भी सेंट्रल फोर्स को लिखने का ये जनरलाइज तरीका है कि वेक्टर एफ आर, मतलब सेंट्रल फोर्स एफ जो कि आर के ऊपर डिपेंड करता है। अब देखिए, ये पूरा एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका ये मैग्नीट्यूड हो गया और ये हो गया एक डायरेक्शन, है ना। फोर्स का जो डायरेक्शन है, यूनिट वेक्टर जो आर है, उस यूनिट वेक्टर आर के डायरेक्शन में यहां पर जो आपने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है उस ऑब्जेक्ट का इस स्टेबल पॉइंट से, स्टेशनरी पॉइंट से जो डिस्टेंस वाला वेक्टर है, इस ऑब्जेक्ट का इस स्टेशनरी पॉइंट से जो वेक्टर आर है उस वेक्टर आर की डायरेक्शन में हम यूनिट वेक्टर को आर कैप बोल रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर अगर देखें तो यहां पर जो फोर्स लग रहा है वो इस वेक्टर आर के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, और यहां पर जो फोर्स लग रहा है वो वेक्टर आर के ही डायरेक्शन में लग रहा है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो वेक्टर एफ होता है वो वेक्टर आर के अपोजिट भी हो सकता है और उसके पैरेलल भी हो सकता है, क्योंकि डेफिनेशन में आपने बोला है टुवर्ड्स द पॉइंट फोर्स लग सकता है या अवे फ्रॉम द पॉइंट फोर्स लग सकता है, और आपका जो वेक्टर आर है वो तो हमेशा यहां पॉइंट से मेजर किया जाएगा, वेक्टर आर, ठीक है। तो यहां पर लिखा हुआ है एफ आर इक्वल टू एफ आर और आर कैप, ये हुआ सेंट्रल फोर्स को लिखने का जनरलाइज तरीका। आपको पता है जब फोर्स की वैल्यू, ये फोर्स जो यहां पर है मैग्नीट्यूड, जब फोर्स का मैग्नीट्यूड निगेटिव होता है तो वो अट्रैक्शन का फोर्स होता है, जब फोर्स का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव होता है तो वो रिपल्सन का फोर्स होता है। आपको ये बात पता है ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्शन का होता है, इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो हमेशा निगेटिव होता है, निगेटिव हुआ तभी वो आपका अट्रैक्शन बोला जाएगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करें तो सेम चार्जेज में क्या होता है, सेम चार्जेज में आपको पता है ये प्लस आएगा फोर्स की वैल्यू, एक प्लस हो एक माइनस हो तो इसमें फोर्स की वैल्यू माइनस होगी, और इसीलिए आप बोलते हैं कि जब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो इनके बीच में अट्रैक्शन है, तो ये माइनस आ रहा है ना, तो नेगेटिव फोर्स का मतलब अट्रैक्शन का फोर्स और पॉजिटिव फोर्स का मतलब रिपल्सन का फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्शन नेचर का होता है, इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा नेगेटिव होता है, हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, वो माइनस वाला सिंबल जो ये पता करने के लिए होता है वो अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव है उसको हम इग्नोर करते हैं, ठीक है। अच्छा, किसी भी सेंट्रल फोर्स को लिखने का ये जो ये मैग्नीट्यूड है यहाँ पर सेंट्रल फोर्स का, उस सेंट्रल फोर्स के मैग्नीट्यूड को इस तरीके से देखा जाता है कि एफ आर इक्वल टू सम कांस्टेंट, यहाँ माइनस है, और अपान में आर पावर एन। आर क्या है, वही डिस्टेंस आर जो था वही आर है यहाँ पर। अब इस वाले फार्मूले को हम लोग बोलते हैं एनएथ पावर लॉ ऑफ फोर्स। यहाँ पर देखिए एन लिखा हुआ है तो यह है एनएथ पावर लॉ ऑफ फोर्स,
ये जो फोर्स है वो आर के nth पावर में है, तो इसको हम बोलेंगे nth पावर लॉ ऑफ फोर्स। अगर कोई फोर्स इस लॉ को फॉलो कर रहा है, अगर कोई सेंट्रल फोर्स इस लॉ को फॉलो कर रहा है कि उसका जो फोर्स है वो आर पावर एन के इस तरीके से डिपेंडेंट उसके ऊपर है, तो इस तरह के लॉ को हम बोलेंगे nth पावर लॉ ऑफ फोर्स। अब इसी एन की आप अलग अलग वैल्यूज रख लीजिए, एन की वैल्यू जब आप 2 रखेंगे तो यहां पर आपको मिलेगा एफ आर इक्वल टू माइनस में के अपान आर पावर एन। तो माइनस में के अपान आर पावर एन में इसको हम लोग बोलते हैं, एक तो इनवर्स वाला रिलेशन है, उल्टा है, और आर के पावर 2 है। तो यहां पर जब पावर एन था तो ये nth पावर ला था, यहां पर पावर 2 में है तो यहां पर ये स्क्वायर ला हो जाएगा, और एक बटे में है तो इसको हम बोलेंगे इनवर्स स्क्वायर ला फोर्स। कोई भी फोर्स जो इस तरह के कंडीशन को सेटिस्फाई करता है वो इनवर्स स्क्वायर ला फोर्स की कैटेगरी में आता है। एग्जाम्पल के तौर पर ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, आप देख लीजिए ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला आप लिखते हैं एफ इक्वल टू जी एम वन एम टू और अपान में आर स्क्वायर। यहां से ये बात आप कह सकते हैं कि एफ प्रोपोर्शनल टू क्या है, 1 अपान आर स्क्वायर। और जब भी कभी एफ प्रोपोर्शनल टू 1 अपान आर स्क्वायर, ये पूरा कांस्टेंट हुआ, एफ प्रोपोर्शनल टू 1 अपान आर स्क्वायर है, तो उस वाले फोर्स को हम बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ फोर्स, और इस लॉ को हम बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ। यानी ग्रेविटेशनल फोर्स एक इनवर्स स्क्वायर लॉ फोर्स है क्योंकि वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करती है। इसी तरह से जो कूलम्ब का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फार्मूला आपने पढ़ा था, एफ इज इक्वल टू 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपान में r स्क्वायर। यहां से भी आप ये बात देख सकते हैं कि f प्रोपोर्शनल टू 1 अपान r स्क्वायर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, इसीलिए हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को भी इनवर्स स्क्वायर लॉ फोर्स बोल सकते हैं, और कुल मिलाकर क्या बोल सकते हैं, सेंट्रल फोर्स बोल सकते हैं। ठीक है, एक और केस यहां पर आप देखिए जो कि बहुत ही फैमिलियर है आप इस चीज से, कि अगर हम n की वैल्यू ले लें -1, तो n की वैल्यू -1 लेने पर एफ आर इक्वल टू हो जाएगा माइनस में के अपान आर पावर -1। और आप देखिए ऐसे आएगा ना, एफ आर इक्वल टू कितना हो जाएगा -1 लेने पर, माइनस में के अपान आर पावर -1, और ये -1 ऊपर जब जाएगा तो प्लस बन जाएगा, तो माइनस में के इंटू आर। और जब एफ प्रोपोर्शनल टू आर आपको दिखाई दे, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको हम लोग बोलते हैं लीनियर फोर्स। और यहां पर रीस्टोरिंग फोर्स इसलिए आया है क्योंकि ये जो के होता है, यहां पर जो कांस्टेंट होता है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, इस वजह से ओवरऑल ये पूरा फोर्स निगेटिव आ रहा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में है। यहां पर जो के है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, और इस वजह से ये जो के है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। इस वजह से ये वाला जो फोर्स है वो पॉजिटिव भी आ सकता है, निगेटिव भी आ सकता है, अट्रैक्शन का भी आ सकता है, रिपल्सन का भी आ सकता है। ग्रेविटेशन वाले केस में ये के पॉजिटिव रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले केस में के पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, तो यानी अट्रैक्टिव या रिपल्सिव कुछ भी हो सकता है। यहां पर ये एफ आर इक्वल टू ये जो माइनस में के इंटू आर है, यहां पर अगर आप इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखते हैं तो इसका मतलब ये कि ये जो फोर्स है वो इस डिस्प्लेसमेंट के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में है। इसको हम लोग यहां पर रीस्टोरिंग या प्रत्यानयन बल बोलते हैं। यहां पर ये लीनियरली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एफ प्रोपोर्शनल टू आर के, इसलिए इसका नाम है लीनियर रीस्टोरिंग फोर्स। ठीक है ना, आपने जो स्प्रिंग के केस में हुक्स लॉ का फार्मूला पढ़ा था, उसमें जो फोर्स आपने देखा था स्प्रिंग फोर्स, वो यही था आपका लीनियर रीस्टोरिंग फोर्स, जो कि सेंट्रल फोर्स का ही एक टाइप है। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और स्प्रिंग फोर्स, ये जो सारे के सारे फोर्सेस हैं, चाहे वो लीनियर हो चाहे वो इनवर्स स्क्वायर हो, ये सब सेंट्रल फोर्स के टाइप होते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है, यहां तक क्लियर है, चलिए आगे बढ़े प्रॉपर्टीज पर। अब प्रॉपर्टीज पर चलते हैं। प्रॉपर्टीज में आप देखिए यहां पर क्या है कि प्रॉपर्टीज में एफ इज इक्वल टू एफ आर आर कैप, यानी कि ये जो हमारा सेंट्रल फोर्स होता है उसको ये लिखने का तरीका है, और इसमें ये जो एफ आर होता है उसको हम जनरलाइज्ड वे में इस तरीके से लिखते हैं, ये भी आपको पता है। ठीक है, तो आपका जो सेंट्रल फोर्स होता है उसको हम लोग इस तरीके से और इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। जो सेंट्रल फोर्स होता है वो नेचर में कंजर्वेटिव होता है, सेंट्रल फोर्स नेचर में कंजर्वेटिव होता है, ये बात हम लोगों ने काफी डिटेल में डिस्कस किया था कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव वाले लेक्चर में, कि कोई भी फोर्स जब कंजर्वेटिव हो जाता है तो उसका मतलब कि उसके उसमें जो वर्क डन होता है, उस कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से जो वर्क डन होता है वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब जिस फोर्स की वजह से किया गया वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करता, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर पॉइंट्स पर डिपेंड करता है, ऐसे फोर्स को हम कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स, जैसे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, ये सब आपके कंजर्वेटिव फोर्स हैं। तो सेंट्रल फोर्स जो भी हो वो कंजर्वेटिव होते हैं नेचर में। दूसरी बात की जो कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं उनकी अब खास बात एक और है कि एक क्लोज्ड लूप में जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, एक क्लोज्ड वर्क लूप में, एक क्लोज्ड आप कह सकते हैं पाथ पर जो टोटल वर्क डन होता है वो जीरो होता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, तो कंजर्वेटिव फोर्स के जो भी प्रॉपर्टीज आपने पढ़ रखे हैं वो सब सेंट्रल फोर्स के लिए लागू होगा, क्योंकि सभी सेंट्रल फोर्स कंजर्वेटिव होते हैं, ये पॉइंट आप यहां पर ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो भी ऑब्जेक्ट, जो भी पार्टिकल सेंट्रल फोर्स के अंडर मोशन कर रहा है, मतलब मूविंग पार्टिकल के ऊपर सेंट्रल फोर्स अगर लग रहा है, तो ऐसे में अगर आप उसका निकालेंगे टॉर्क, तो टाउ इक्वल टू आर क्रॉस एफ, और एफ की ये वाली आप एक्सप्रेशंस को रखेंगे तो आपको वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर आर आएगा, जिसकी वजह से ये जीरो हो जाएगा। कुल मिलाकर के आप ये याद रखें कि जो सेंट्रल फोर्स के अंडर जो फोर्स लगता है
जो मोशन होता है उसमें हम टॉर्क की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो जीरो आता है। और आपने ये पढ़ रखा हुआ है रोटेशन वाले चैप्टर में, जैसे आपने ट्रांसलेशन मोशन में पढ़ा हुआ कि फोर्स एफ इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, बिल्कुल वैसे ही आपने रोटेशन में पढ़ा हुआ है फोर्स की जगह पर टॉर्क हो जाएगा और लीनियर मोमेंटम की जगह पर एंगुलर मोमेंटम जे या फिर एल हो जाएगा। तो टाउ इक्वल टू डीजे बाई डीटी या डीएल बाई डीटी, टॉर्क इक्वल टू होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, और सेंट्रल फोर्स के केस में टॉर्क होता है जीरो। और जैसे ही आप टॉर्क को रखेंगे जीरो, इसका मतलब कि डीजे बाई डीटी इक्वल टू जीरो, इसका मतलब ये जो जे है वो टाइम के रिस्पेक्ट में कांस्टेंट है, मतलब कि जे जो है वो टाइम के साथ चेंज नहीं होने वाली क्वांटिटी है, यानी जे या एल क्या हो जाएगा आपका कांस्टेंट। और जे या एल कांस्टेंट हो गया इसका मतलब कि एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा है, यानी एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो गया है। तो आप ये बात ध्यान रखेंगे कि सेंट्रल फोर्स के अंडर जो भी मोशन होता है पार्टिकल का उसमें एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है। ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, खास करके जो आपके बहुत ही आसान वाले सवाल आते हैं लैब असिस्टेंट के एग्जाम में, उसमें आपको इस तरह की चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, लैब असिस्टेंट के लिए मेरा एक सजेशन है आप सभी लोगों को कि आप मास्टर बैच 2.0 जरूर देख लेंगे, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जहां पर भी आपको न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा मुश्किल महसूस होने लगे, ऐसे न्यूमेरिकल को आप स्किप कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए कि जितने मैंने थियरी के लेक्चर अभी तक पीछे दिए हैं या जो भी आगे पढ़ाए जाएंगे, आप थियरी वाले लेक्चर को ही इतनी बार देखिए कि चीजें आपको याद हो जाए। क्योंकि न्यूमेरिकल में छोटे मोटे जो न्यूमेरिकल आते हैं फार्मूला बेस्ड या जो भी उसमें कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं, जो प्रॉपर्टीज पूछी जाती हैं, उनको थियरी में ही मैक्सिमम केस में हम इतना एक्सप्लेन कर देते हैं, इतना डिस्कस कर देते हैं कि आपके एग्जाम में वो मैक्सिमम चीजें थियरी से ही कवर हो जाती है। न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं भी किया तब भी काम चल जाएगा, है ना। तो जो न्यूमेरिकल आपको बहुत मुश्किल लग रहा हो ऐसे न्यूमेरिकल्स को आप इग्नोर करके पूरा आप एनर्जी अपना थियरी पर लगाएंगे, लेकिन लैब असिस्टेंट के लिए तो दोनों बातें उतनी ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कि आपका जो क्वेश्चन है वो बहुत नॉर्मल नहीं आता है, है ना, नॉर्मल क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, चलिए, तो एंगुलर मोमेंटम यहां पर कंजर्व होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो एरियल वेलोसिटी जो होता है पार्टिकल का, अगर कोई पार्टिकल सेंट्रल फोर्स के अंडर मोशन कर रहा है तो उसकी जो एरियल वेलोसिटी होती है, लीनियर वेलोसिटी का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट, तो यहां पर क्या होगा, यानी पर यूनिट टाइम में जितना डिस्प्लेसमेंट लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है उसको हम लोग लीनियर वेलोसिटी बोलते हैं। और पर यूनिट टाइम में जितना एरिया कवर करेगा पर यूनिट, जैसे ये कोई एक वेक्टर ले लीजिए, ये यहां से घूम करके यहां चला गया, तो इसने लीनियर जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया वो ये है, लेकिन इसने जो एरिया स्वीप आउट किया या कवर किया वो एरिया ये है। तो पर यूनिट टाइम में जितना एरिया स्वीप आउट करेगा उसको हम लोग एरियल वेलोसिटी बोलते हैं। और सेंट्रल फोर्स के अंडर मोशन के केस में एरियल वेलोसिटी पार्टिकल का कांस्टेंट होता है, और ये चीज आपने केपलर का जो प्लानिटरी मोशन लॉ है उसमें आप लोगों ने तीसरा सेकंड वाला जो लॉ है उसमें आपने पढ़ा होगा कि एरियल वेलोसिटी प्लैनेट का सन के अबाउट क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो ये चीज किसी भी सेंट्रल फोर्स के ऊपर लागू होती है, ये बात आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा कि सेंट्रल फोर्स के अंडर क्या होता है कि मोशन ऑफ द पार्टिकल टेक्स प्लेस इन अ प्लेन। सेंट्रल मोशन, सेंट्रल फोर्स के अंदर जब भी कोई ऑब्जेक्ट मोशन करता है तो वो हमेशा एक प्लेन में मोशन करता है, मतलब कि टू डायमेंशन में मोशन करता है, थ्री डायमेंशन में मोशन नहीं करता है। तो मोशन इन अ प्लेन, हमेशा वो पार्टिकल का मोशन एक प्लेन में होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी, ठीक है ना। और लास्ट है हमारा कि पार्टिकल की जो टोटल एनर्जी होती है वो कॉन्स्टेंट होती है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है, इनको आपको याद रखना पड़ेगा सेंट्रल फोर्स के बारे में, काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। तो पहला तो इसको लिखने का तरीका, दूसरा सभी सेंट्रल फोर्स कंजर्वेटिव होते हैं, तीसरा सेंट्रल फोर्स के केस में टॉर्क जीरो होता है, एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है, और चौथा सेंट्रल फोर्स के केस में एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होता है, और पांचवा पार्टिकल एक प्लेन में मोशन करता है, और छठा एनर्जी टोटल कांस्टेंट होती है। ये पूरी की पूरी प्रॉपर्टीज को आपको सेंट्रल फोर्स के बारे में याद रखना है, मतलब कि अब चाहे ग्रेविटेशनल फोर्स की बात हो, चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात हो, चाहे वो स्प्रिंग फोर्स की बात हो, जितने भी सेंट्रल फोर्स होंगे उन सभी के केस में ये बात लागू हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है हमारा रिडक्शन ऑफ टू बॉडी प्रॉब्लम टू अ सिंगल बॉडी प्रॉब्लम। मतलब कि अगर दो दो ऑब्जेक्ट के मोशन को आप स्टडी करना चाह रहे हैं और दोनों के दोनों मोशन में हैं, तो ऐसे में उन दोनों को स्टडी करना, दोनों का इक्वेशन ऑफ मोशन बनाना काफी चैलेंजिंग और कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट हैं और दोनों मोशन में हैं, तो हम इसमें से किसी एक को अगर हम रेस्ट में इमेजिन करके दूसरे को स्टडी करना चाहें, तो ऐसे केस में हम इस पूरे सिस्टम को एक सिंगल सिस्टम के फॉर्म में इमेजिन कर सकते हैं कि ये दो नहीं बल्कि ये पूरा कोई एक ही बॉडी है जो कि मूव कर रहा है, जो भी चीजें हो रही हैं वो किसी एक ही बॉडी के रूप में आप इसको देखें। जैसे सन है और उसके चारों ओर प्लैनेट घूम रहा है, तो अगर आपको देखा जाए तो सन भी अपनी पोजीशन से चेंज होता है और प्लैनेट भी चेंज होता है। तो अगर हम सन को रेस्ट में करके प्लैनेट को इमेजिन कर रहे हैं तब तो बड़ी नॉर्मल सी बात होगी, लेकिन एक्चुअली में अगर देखा जाए तो सन अपनी जगह पर रेस्ट में नहीं है, वो भी अपनी पोजीशन से चेंज होता है, और एक्चुअली वो पूरा जो उसका सेंटर ऑफ मास होता है वो मोशन में आता है। सन और प्लैनेट का जो सेंटर ऑफ मास होता है ये पूरा मोशन करता है। ठीक है, तो ऐसी जगहों पर इस पूरे सिस्टम को, इस टू बॉडी प्रॉब्लम को एक सिंगल बॉडी प्रॉब्लम के केस में अगर स्टडी करना हो तो उसके लिए एक फार्मूला यहां पर है, वो फार्मूला आपको याद रखना है रिड्यूस्ड मास का। कि जैसे मान लीजिए
यहाँ पर एक है आपका M2 मास, यहाँ पर है M1 मास, और यहाँ से इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इस ओरिजिन से इसकी पोजीशन R1 है, इसकी पोजीशन R2 है। लेकिन अगर आप इन दोनों को कोई एक पूरा सिस्टम, एक पूरा बॉडी अगर आप इमेजिन करना चाहते हैं, तो इनके लिए जो इक्वेशन आप, जैसे आप इसके लिए इक्वेशन आप मोशन बनाते हैं, तो आप लिखते F1 is equal to क्या M1 into A1, इसके लिए आप लिखते तो आप लिखते F2 equal to क्या M2 into में A2, तब जाकर के आप इन दोनों को स्टडी करते, दो दो इक्वेशन आप मोशन बनाते दोनों अलग अलग पार्टिकल के लिए। लेकिन अगर इन दोनों पार्टिकल के सिस्टम को सिंगल बॉडी प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर दिया जाए कि इनका जो सेंटर ऑफ मास है वो जो जिस तरीके से मोशन कर रहा है, अगर हम सिर्फ उसको स्टडी कर लें तो हम इन पूरे के ओवरऑल जो इफेक्ट होगा उसको स्टडी कर सकते हैं, है ना। तो ऐसे में हम लोगों ने क्या किया, इन दो अलग अलग जो बॉडीज थी उनको अगर हम एक सिंगल बॉडी के मोशन से स्टडी करना चाहे, रिप्लेस करना चाहे, तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इस जो यहाँ पर जो रिड्यूस यहाँ पर हम लोग बॉडी इमेजिन करेंगे उसके लिए जो हम इक्वेशन ऑफ मोशन बनाएंगे, तो इसके ऊपर लगने वाला फोर्स इज इक्वल टू इसका मास और रेट ऑफ चेंज ऑफ इसका जो भी यहाँ से पोजीशन होगा, अगर वेक्टर आर बोल दें तो हो जाएगा, फार्मूला होता है ना एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए, तो हमने एफ की जगह पर एफ लिखा, ए की जगह पर रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस रिड्यूस्ड बॉडी लिखा, और एम की जगह पर इस वाली बॉडी का मास लिखा, और इसी वाले मास को हम लोग बोलते हैं इसका क्या, रिड्यूस्ड मास। अगर दो बॉडी को रिप्लेस करके एक सिंगल बॉडी से, इक्विवेलेंट बॉडी से हम स्टडी करें तो इस वाली बॉडी का जो मास आएगा उसको हम लोग रिड्यूस्ड मास बोलते हैं, और इसी का फार्मूला आपको याद रखना है। और रिड्यूस्ड मास का ये फार्मूला आप पिछली क्लास में भी देख चुके हैं कि अगर कोई डायएटॉमिक मॉलिक्यूल है तो उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कैलकुलेट करने के लिए आई इज इक्वल टू, अब आपका एम आर स्क्वायर तो काम करेगा नहीं क्योंकि उसमें एक पार्टिकल नहीं है, उसमें दो दो पार्टिकल्स हैं, तो उन दोनों पार्टिकल का जो रिड्यूस्ड मास होगा वो हमें यहाँ पर यूज करना पड़ता है, तो आई इक्वल टू हो जाएगा म्यू आर स्क्वायर, ये डायएटॉमिक मॉलिक्यूल के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए फार्मूला, और इसके ऊपर एक दो न्यूमेरिकल करवाया गया था पिछली क्लास में, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो म्यू होता है जिसको हम रिड्यूस्ड मास बोलते हैं वो आपका होता है म्यू इक्वल टू एम वन एम टू अपान एम वन प्लस एम टू, आप ये फार्मूला याद रख लीजिए कि जो भी दो बॉडीज की आप बात कर रहे हैं उन दोनों बॉडीज के अगर मासेस आपको पता है तो इन दो बॉडी वाले सिस्टम को सिंगल बॉडी वाले सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए जो सिंगल बॉडी हम लोग इमेजिन कर रहे हैं, ऐसा है नहीं सच में कोई, जो हम इमेजिन कर रहे हैं सिंगल बॉडी, उस सिंगल बॉडी का जो मास होगा वो कितना होगा, तो ये होता है दोनों के मासेस का प्रोडक्ट अपान दोनों के मासेस का सम, ठीक है। तो ये फार्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिए। अब यहाँ पर एक दो एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देख सकते हैं, और इसमें दूसरा एग्जाम्पल काफी इंपॉर्टेंट है। पहला आप देख लीजिए हाइड्रोजन एटम की अगर हम बात करें, हाइड्रोजन में आपको पता है कि हाइड्रोजन में तीन तरह के हाइड्रोजन है, 1H1, 1H2, 1H3, है ना, 1H1, 1H2 और 1H3, जिसको हम प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम बोलते हैं, इनको हम प्रोटियम, इनको ड्यूटीरियम और इनको हम ट्राइटियम बोलते हैं, इसको हम नॉर्मल हाइड्रोजन, इसको हैवी हाइड्रोजन और इसको रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन बोलते हैं। तो जब नॉर्मली आपको सिर्फ हाइड्रोजन बोला जाता है तो हम लोग इस नॉर्मल हाइड्रोजन 1H1 की बात करते हैं, ठीक है। और ध्यान रखें कि ये जो प्रोटियम, ड्यूटीरियम और ट्राइटियम है, इनके न्यूक्लियस को हम प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन और ट्राइटॉन बोलते हैं, प्रोटियम के न्यूक्लियस को प्रोटॉन, ड्यूटीरियम के न्यूक्लियस को ड्यूटेरॉन और ट्राइटियम के न्यूक्लियस को ट्राइटॉन बोलते हैं, क्योंकि कई बार ड्यूटेरॉन के ऊपर सवाल पूछा जाता है तो आपको ऐसे में पता होना चाहिए कि ड्यूटेरॉन का मतलब क्या, ड्यूटीरियम के न्यूक्लियस को ड्यूटेरॉन बोलते हैं और प्रोटियम के न्यूक्लियस को प्रोटॉन बोलते हैं। अगर हम शॉर्ट में इसका स्ट्रक्चर थोड़ा समझ लें, क्योंकि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपका ड्यूटेरॉन वाला, 1H1 में ये देखिए Z, ये आपका Z होता है, Z मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, और ये आपका A होता है मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, इसमें से इसको अगर हम माइनस करते हैं तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मिल जाता है। तो इसके पास देखा जाए तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, एक, और नॉर्मल कंडीशन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हुआ, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो गए, यहां से इसको माइनस कर दिया, जीरो आ गया। यानी ये जो आपका 1H1 है अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाए तो न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन मिलेगा लेकिन जीरो न्यूट्रॉन मिलेंगे और ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो कुल मिलाकर के अगर आप इस पूरे प्रोटॉन को देखें, जो कि हमारा टॉपिक भी है, इस प्रोटॉन में यहां पर कोई भी न्यूट्रॉन नहीं है न्यूक्लियस के अंदर, और ये एकमात्र अकेला ऐसा एटम है या एलिमेंट है जिसके पास न्यूट्रॉन नहीं होते, इसके अलावा जो भी एलिमेंट आप लेंगे उन सब के पास न्यूट्रॉन रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो यहां पर सिर्फ एक प्रोटॉन है और यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है, और इस प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के इस कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको हम लोग हाइड्रोजन एटम बोल रहे हैं। तो हमें यहां पर देखा जाए तो एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन का जो पूरा सिस्टम है, अगर हमें इनको स्टडी करना है इस पूरे इनके मोशन को, तो इसके लिए हम टू बॉडी प्रॉब्लम को सिंगल बॉडी प्रॉब्लम के रूप में अगर इमेजिन करें तो जो रिड्यूस्ड मास इनका हम लोग यूज करेंगे, जैसे हम इसका रिड्यूस्ड मास लिख रहे थे म्यू इक्वल टू एम वन एम टू अपॉन एम वन प्लस एम टू, उस तरीके से अगर हम इन दोनों का रिड्यूस्ड मास लिखें, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन का, उसके बारे में यहां पर बात करेंगे, ठीक है। दूसरा आप देख लीजिए 1H2, 1H2 में क्या होगा, एक प्रोटॉन होगा और एक इलेक्ट्रॉन भी होगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे यहां पर एक न्यूट्रॉन आ जाएगा, और ये जो आपका एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन का ये न्यूक्लियस दिख रहा है इसी को हम लोग बोलेंगे ड्यूटेरॉन। तो जब भी सवाल ड्यूटेरॉन का आएगा तो ध्यान रखिएगा एक प्रोटॉन प्लस एक न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन को ड्यूटेरॉन बोल रहे हैं, यानी ड्यूटीरियम के न्यूक्लियस को ड्यूटेरॉन बोल रहे हैं, और इस वाले में प्रोटियम के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन तो था नहीं, सिर्फ एक ही प्रोटॉन था और उसी को हम प्रोटॉन बोलते हैं।
प्रोटियम के न्यूक्लियस को प्रोटॉन बोलते हैं, ड्यूटेरियम के न्यूक्लियस में क्या हुआ, एक प्रोटॉन के साथ में एक न्यूट्रॉन भी आ गया और इसी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कॉम्बिनेशन को हम ड्यूटेरॉन बोलते हैं। और जब ट्राइटियम की आप बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए एक प्रोटॉन हो जाएगा इस और एक इलेक्ट्रॉन हो जाएगा और इसमें से इसको माइनस करेंगे यहाँ पर दो न्यूट्रॉन हो जाएगा। कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हैं कि एक प्रोटॉन और इस दो न्यूट्रॉन के इस कॉम्बिनेशन को हम ट्राइटॉन बोलेंगे। ठीक है, तो एक अकेला प्रोटॉन है तो प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन प्लस एक न्यूट्रॉन है तो आपका ड्यूटेरॉन है, और एक प्रोटॉन प्लस दो न्यूट्रॉन है तो इसका नाम ट्राइटॉन है। इतनी बात याद रखिए, ये वाला केस थोड़ा स्पेशल है। ठीक है, टॉपिक पर आते हैं। तो जब हम 1H1 की बात कर रहे थे, हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे थे जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है और न्यूक्लियस के अंदर उसमें एक प्रोटॉन होता है, अगर हमें इसका रिड्यूस्ड मास निकालना हो तो रिड्यूस्ड मास का फार्मूला m1 m2 upon m1 plus m2, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मास ऑफ प्रोटॉन, यहां से अगर हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को कॉमन ले लें तो ये आपका चेंज हो जाएगा 1 upon, है ना। और देखिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को कॉमन लिया और फिर से जो पार्ट बचा उसको हमने मास ऑफ प्रोटॉन से डिवाइड कर दिया, तो ये डिवाइड करेंगे 1 हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा और इसको डिवाइड करेंगे तो 1 हो जाएगा। सिर्फ हमने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला और मास ऑफ प्रोटॉन से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर दिया। अब इसके बाद आप देखिए ये पूरा पार्ट जो है इसका होल पावर यहां पर 1 है, अगर इसको पूरा उठाकर ऊपर ले जाए तो होल पावर -1 हो जाएगा, और यहां बाइनोमियल थ्योरम यूज करेंगे 1 plus x की होल पावर n, और ये होता है 1 plus n x plus, आगे और भी टर्म आएंगे लेकिन x का पावर 2, 3, 4 ऐसे बढ़ता जाएगा और ये वैल्यू बहुत ज्यादा छोटी है इस वजह से वो इतना छोटा आएगा उसको हम नहीं लिख रहे हैं। तो 1 plus n into x, ये n और ये x दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, और आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा ऐसे सवालों में जब भी इस तरह का केस आएगा कि जो मास ऑफ प्रोटॉन होता है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का लगभग 1836 गुना होता है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1 upon 1836। ठीक है, जब भी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का ऐसा कोई केस आएगा, न्यूमेरिकल आएगा, रिड्यूस मास को पुट करना होगा तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे, ये कैलकुलेशन आप डायरेक्टली वहां पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये तो रही बात हाइड्रोजन एटम के रिड्यूस्ड मास को कैलकुलेट करने का तरीका, और आपने देख लिया कि दो अगर बॉडी का प्रॉब्लम है तो उसको हम सिंगल बॉडी की प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन जो सिंगल बॉडी हम इमेजिन करेंगे उसके मास को हम रिड्यूस्ड मास बोलेंगे और उस रिड्यूस्ड मास के लिए हमारे पास ये फार्मूला है। ठीक है, ये सिंपल सी बात होगी। एक और एग्जाम्पल जो कि इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वो है पॉजिट्रॉनियम। जैसे आपने पीछे प्रोटॉन, ड्यूटेरॉन और ट्राइटॉन का नाम सुना, वैसे ये नाम याद रख लीजिए, ये बहुत ज्यादा रिपीट होता है आपका पॉजिट्रॉनियम। एक होता है पॉजिट्रॉन और एक होता है पॉजिट्रॉनियम। तो जो पॉजिट्रॉन होता है वो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है। जो पॉजिट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है, और इसकी प्रॉपर्टी ये है इस एंटी पार्टिकल की कि इसका मास उतना ही होगा जितना इस पार्टिकल का है, लेकिन चार्ज बिल्कुल इसका अपोजिट होगा। वैल्यू बिल्कुल सेम होगी लेकिन चार्ज इसका अपोजिट होगा। तो इलेक्ट्रॉन के पास जितना निगेटिव चार्ज है, पॉजिट्रॉन के पास उतना ही पॉजिटिव चार्ज है। तब तो आप कहेंगे ये तो प्रोटॉन हो गया, फिर तो प्रोटॉन के पास भी यही होता है, जितना इलेक्ट्रॉन के पास निगेटिव होता है प्रोटॉन के पास उतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है। लेकिन आप ये भूल रहे हैं कि प्रोटॉन का जो मास होता है वो इलेक्ट्रॉन के मास के इक्वल नहीं होता है। अभी अभी आपने देखा जो प्रोटॉन का मास है वो इलेक्ट्रॉन के मास का 1836 गुना है, लेकिन जो पॉजिट्रॉन है यहाँ पर आपका पॉजिट्रॉन, उस पॉजिट्रॉन का मास इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर है। और रही बात चार्ज की, तो इसके पास जो चार्ज है वो प्लस में ई है और इलेक्ट्रॉन के पास माइनस में ई है। यहाँ पर अगर हम प्रोटॉन की बात करें तो यहाँ पर प्लस में ई चार्ज है और इलेक्ट्रॉन का आपको पता है माइनस में ई है, लेकिन ये वाली बात तो डिफरेंट है ना। मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं होता, लेकिन मास ऑफ पॉजिट्रॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होता है, क्योंकि पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है, सिर्फ चार्ज इसके बिल्कुल अपोजिट होगा, बाकी सारी चीजें बिल्कुल सेम होती है, एंटी पार्टिकल की ये खास बात होती है। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि जो पॉजिट्रॉन का चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन के बिल्कुल चार्ज के बराबर लेकिन प्लस में, और मास बिल्कुल सेम। यहां पर हमने लिख भी दिया है कि सेम मास होता है इलेक्ट्रॉन के बराबर लेकिन चार्ज बिल्कुल उसका अपोजिट होता है, किसके पास, पॉजिट्रॉन के पास। और एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन के कॉम्बिनेशन को हम लोग पॉजिट्रॉनियम बोलते हैं। एक पॉजिट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन के कॉम्बिनेशन को हम लोग पॉजिट्रॉनियम बोलते हैं, और पॉजिट्रॉनियम का रिड्यूस्ड मास, डायरेक्ट एक क्वेश्चन ये पूरा बनता है यहाँ पर जो रिड्यूस्ड मास की बात हो रही है। तो आप देखिए, अगर पॉजिट्रॉनियम के बारे में ये वाली बात आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का कॉम्बिनेशन होता है और ये प्रॉपर्टीज होती है, तो रिड्यूस मास निकालना बहुत ही आसान है। रिड्यूस मास का फार्मूला होता है कि दोनों ही पार्टिकल का जो मास है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर उनको प्लस कर दीजिए। मास क्या क्या है, मास की बात करें तो मास ऑफ पॉजिट्रॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों सेम होता है, तो हम दोनों की जगह पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख रहे हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपान, ये भी हो जाएगा आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्लस में क्या, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इनको मल्टीप्लाई किया तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन स्क्वायर और अपान में इसको ऐड किया 2 times ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से एक मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के अपान में 2 आएगा, या फिर मास ऑफ पॉजिट्रॉन के अपान में 2 आएगा, क्योंकि दोनों का सेम ही होता है। तो आपको ये सवाल पूछा जाता है कि पॉजिट्रॉनियम का जो मास होता है, पॉजिट्रॉनियम का जो मास होता है वो रिड्यूस्ड मास होता है, वो कितना होता है। तो एक्चुअली पॉजिट्रॉनियम कोई एक पार्टिकल नहीं है, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन के कॉम्बिनेशन को पॉजिट्रॉनियम बोलते हैं। लेकिन अगर ये 2 body problem को 1 body problem में रिड्यूस करना है, तो उस 1 body को जिसको हम पॉजिट्रॉनियम बोल रहे हैं उसका मास कितना होगा, तो उसका मास होगा, रिड्यूस्ड मास होगा m upon 2 के बराबर। ठीक है,
ठीक है ना? चलिए, अभी भी आप लोग टाइम को लेकर ही कमेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट अब देखिए, यहां पर आप उस सब चक्कर को छोड़िए, यहां पर देखिए ध्यान से कि मोशन ऑफ टू बॉडी सिस्टम अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ठीक है, आपने टू बॉडी प्रॉब्लम को सिंगल बॉडी प्रॉब्लम में कन्वर्ट करना सीख लिया कि मास को रिड्यूस मास से रिप्लेस कर देंगे। उस बेसिस पर एक दो एग्जांपल के तौर पर यहां पर लिखा हुआ है कि एफ इक्वल टू जैसे जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर होता है ना। ये दो बॉडीज हैं जिनके ऊपर जिनका मास आपने एम वन और एम टू बोला, तो इनके बीच में लगने वाले फोर्स को आप ऐसे लिखते हैं ग्रेविटेशन के लॉ से। बाकी न्यूटन का जो सेकंड लॉ है उसके हिसाब से मास इनटू एक्सेलरेशन। लेकिन अब आप इस पूरे सिस्टम की बात कर रहे हैं जो कि टू बॉडी प्रॉब्लम है, अगर इसको आप सिंगल बॉडी प्रॉब्लम की तरह कन्वर्ट करना चाहेंगे तो मास की जगह पर रिड्यूस मास लिखना होगा, और इस वाले रिड्यूस्ड जो बॉडी आप इमेजिन कर रहे हैं उसका हमें एक्सेलरेशन लिखना होगा डी टू आर अपॉन डी टी स्क्वायर। इसके पोजिशन का दो बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो ये एफ इक्वल टू एम इंटू ए टाइप का है, तो ये ग्रेविटेशन वाले फोर्स को एफ इक्वल टू एम इंटू ए से आप रिप्लेस कर देंगे तो ये बन जाएगा मोशन ऑफ टू बॉडी सिस्टम, मोशन ऑफ टू बॉडी सिस्टम अंडर ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि हमने यहां पर दिखाया हुआ है। ठीक है, और यहां पर म्यू का मतलब है रिड्यूस्ड मास m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। इसके बाद आप देखिए कि अगर आपको एंगुलर मोमेंटम की बात करनी है तो आपको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स या सेंट्रल फोर्स के अंदर अगर कोई पार्टिकल मोशन करता है तो उसका टॉर्क जीरो होता है और उसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है, कांस्टेंट होता है। पीछे आपने प्रॉपर्टी में देखा, और एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है कि एंगुलर मोमेंटम जे या फिर एल, वैसे तो जे लिखना ज्यादा मुझे अच्छा लगता है बट बड़ी मजबूरी में कल हमने पिछली वाली क्लास में पूरी क्लास में एल लिखा था, लेकिन जे ज्यादा अच्छा लगता है। जे इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, आपने देखा था कि आर क्रॉस पी, और पी की जगह पर होता है एम इंटू वी। तो जब बात आप रिड्यूस्ड बॉडी की कर रहे हैं तो यहां मास एम की जगह पर हमें रिड्यूस्ड मास लिखना होगा और ये हो जाएगा आपका क्या, वी। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा यहां पर ये जो वी इक्वल टू होता है आर इंटू ओमेगा, तो अगर आप इस फार्मूले को ओमेगा के फॉर्म में भी कन्वर्ट करेंगे तब भी जहां एम आर स्क्वायर ओमेगा आप लिखते थे वहां एम की जगह पर म्यू लिखेंगे, बस यही चेंज आएगा। तो टू बॉडी प्रॉब्लम को सिंगल बॉडी प्रॉब्लम में कन्वर्ट करने पर मास को रिड्यूस मास से रिप्लेस कर देना है। एनर्जी कंजर्व होता है, ये भी आपने पढ़ा सेंट्रल फोर्स की प्रॉपर्टी में। एनर्जी का मतलब होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो काइनेटिक एनर्जी में हाफ एम वी स्क्वायर में जहां एम आता था, एक सिंगल बॉडी का मास आता था, यहां पर तो दो दो बॉडीज हैं तो हमें इनका रिड्यूस्ड मास लिखना होगा, न्यू लिखना होगा। ठीक है ना, बस यही मतलब है इसका कि अगर कोई बॉडीज ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर मोशन कर रही है, टू बॉडी प्रॉब्लम है, तो उसको सिंगल बॉडी प्रॉब्लम में कन्वर्ट करने पर किस तरीके का इक्वेशन लिखा जाएगा, तो ये एक तरीका था उसको दिखाने का। ठीक है, ठीक है, चलिए अगला सवाल देखें। सवाल नहीं है मतलब अगला टॉपिक देखें। अब हम लोग आ गए हैं ग्रेविटेशन पर, मतलब सेंट्रल फोर्स के बारे में आप वही दो तीन बातें याद रखिए। सेंट्रल फोर्स क्या होता है, सेंट्रल फोर्स की को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है माइनस के अपॉन आर पावर एन टाइप का। इसके अलावा सेंट्रल फोर्स की सारी प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है, पांच से छह जो प्रॉपर्टीज हैं। और फिर आपने देखा रिड्यूस्ड मास का कॉन्सेप्ट, यानी कि अगर टू बॉडी प्रॉब्लम है तो उसको हम सिंगल बॉडी प्रॉब्लम के रूप में कन्वर्ट करना चाहें एक सिंगल बॉडी के रूप में, तो हमें उसका रिड्यूस्ड मास यूज करना होगा। और पॉजिट्रॉनियम आप अच्छे से याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का कॉम्बिनेशन पॉजिट्रॉनियम होता है, और पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल है जिसका मास इलेक्ट्रॉन के मास के बिल्कुल इक्वल है लेकिन चार्ज नेचर में पॉजिटिव है इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर। ठीक है, चलिए सेंट्रल फोर्स हो गया। अब सेंट्रल फोर्स के बाद हम लोग ग्रेविटेशन की बात करेंगे और लास्ट में हम लोग सैटेलाइट की बात करेंगे। ठीक है, तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपको सबको पता है, कुछ बातें आपको हो सकता है नई मिले, बाकी आप ये पढ़ते ही रहते हैं तो कोई बहुत मुश्किल चीजें नहीं है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में ये देखिए, एक बॉडी है जिसका मास m1 है, यहां पर इसका मास m2 है, और ये आपका आप कह सकते हैं कि यहां से इस m2 मास का जो पोजीशन वेक्टर है वो है आपका वेक्टर r, और इस डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है उसको हम लोग r कैप बोल रहे हैं, यहां पर कैप होगा। ठीक है, तो अगर आप यहां से देखें ये वाले बॉडी की, आप ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस में देखें, इसके ऊपर खड़े हो जाएं और ये वेक्टर आर आपका है, तो आप देखिए इस वाली बॉडी पर ये वाली बॉडी एक अट्रैक्शन का फोर्स लगाएगी, क्योंकि ग्रेविटेशन का फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होता है, तो यहां पर इस पे इसके ऊपर इधर की तरफ अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा, और इस पार्टिकल का यहां से जो पोजिशन वेक्टर आर है वो ये था, यानी जो फोर्स लग रहा है वो पोजिशन वेक्टर आर के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। इसलिए अगर हम इसको वेक्टर के फॉर्म में लिखें, वेक्टर एफ इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर, यहां पर ये वाला यूनिट वेक्टर दिखाएं, ये वाला यूनिट वेक्टर, तो यहां माइनस लिखते हैं जिसका मतलब है कि ये और ये बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में लिखते हुए यहां पर माइनस का मतलब ये हुआ कि ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर बिल्कुल अपोजिट है, मतलब जो फोर्स लगेगा वो पोजिशन वेक्टर के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। ठीक है, और अगर आप इसको रिप्लेस करना चाहते हैं तो आपको पता है यूनिट वेक्टर क्या होता है, किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड्स को वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करने पर ही आता है, है ना। यानी वेक्टर r को अगर हम r से डिवाइड करें तो वो r कैप हो जाएगा, वेक्टर r के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर हो जाएगा। तो r कैप अपॉन r जो आएगा वो सॉरी वेक्टर r अपॉन r जो आएगा वो हम यहां r कैप की जगह पर रखें तो r वेक्टर r अपॉन r, तो जो अपॉन में r आएगा वो इसके साथ मल्टीप्लाई होकर के r पावर 3 बन जाएगा,
और यहाँ जो r कैप था अब वो क्या लिखा गया है, वेक्टर r, है ना, क्योंकि r कैप इक्वल टू वेक्टर r अपॉन r था, तो हमने इसकी जगह पर लिखा वेक्टर r अपॉन r, जो अपॉन वाला r था वो इसके साथ मिलकर के पावर 3 बन गया। तो इस बात का ध्यान रखना होगा कि जब पावर 3 है तो यहाँ वेक्टर r है, जब पावर 2 है तो यहाँ यूनिट वेक्टर r कैप है, ठीक है। बाकी कैपिटल जी के बारे में आपको पता है कि इसकी वैल्यू किसने पता करी थी सबसे पहले, तो ये नाम याद रखिए, कई बार ये सवाल पूछा गया है पीजीटी के एग्जाम्स में, पूछा जाता है अदर स्टेट में, किसने पता करी थी, तो कैवेंडिश नाम था साइंटिस्ट का, और इसकी वैल्यू कितनी थी, 6.67 × 10⁻¹ⁱ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, इसको हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। अच्छा, ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन स्मॉल जी में एक रिलेशन होता है जो यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, वो आप याद रखेंगे, जी इक्वल टू होता है जी एम अपान में आर का स्क्वायर, ठीक है, ये होता है स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच में रिलेशन, जहां पर आर ई का मतलब है रेडियस ऑफ अर्थ और एम का मतलब या एम ई का मतलब है मास ऑफ अर्थ, स्मॉल जी और कैपिटल जी के बीच का ये रिलेशन है, ठीक है। यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स स्टार्ट होने जा रहे हैं जिसका एक बड़ा ही फेमस फार्मूला आगे हम लोग पढ़ेंगे। एक है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, देखिए जो जो चीजें आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, है ना, ये जो भी टर्म आप वहां पर पढ़ते थे वो सारे के सारे टर्म बिल्कुल उसी के एनालॉगस आपको यहां पर भी मिलेंगे। बस कुछ बातों का ध्यान रखना होगा कि वहां पर फोर्सेस चार्ज के केस में होते थे, यहां पर फोर्सेस मास की वजह से है, मास के केसेस में, और मास सिर्फ एक टाइप का होता है और चार्ज दो टाइप के होते हैं, इसी वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा एक नेचर का होता है और वो नेचर है अट्रैक्टिव, जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो टाइप का होता है, क्योंकि चार्ज के दो टाइप होते हैं जिसकी वजह से दो पॉसिबिलिटी बनती है कि दोनों चार्ज सेम नेचर के हों या दोनों चार्ज अपोजिट नेचर के हों, तो दोनों ऐसे दो अलग अलग केसेस में फोर्स की वैल्यू अलग अलग, मतलब किसी में पॉजिटिव आएगी किसी में निगेटिव आएगी, और यहां आप देख रहे हैं जो भी आएगी वो एक ही आएगी और वो क्या आती है, वो निगेटिव आती है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा निगेटिव या अट्रैक्टिव नेचर का होता है, और सिर्फ एक ही टाइप का क्यों होता है, क्योंकि मास का कोई दूसरा टाइप नहीं, अगर इसी में से कोई एक मास निगेटिव हो जाता तो इस निगेटिव से ये पॉजिटिव बन जाता और ये रिपल्सिव नेचर का भी हो जाता, लेकिन मास का दूसरा वैरायटी नहीं होता है, मास पॉजिटिव ही होता है, तो मास के एक टाइप होने की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक ही टाइप का होता है, ठीक है। तो जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले फार्मूले आपको याद है वो सारे फार्मूले को अगर आप कंपेयर करें यहाँ पर इस ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में, तो चीजें बड़ी ही आसान हो जाती है और जल्दी से याद हो जाती है। तो यहाँ पर हम लोग जैसे वहां पर पढ़ते थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वैसे यहाँ पर है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। अगर आपको याद हो तो आप बोलते थे कि पर यूनिट चार्ज के ऊपर, एक कूलम चार्ज के ऊपर लगने वाला जो इलेक्ट्रिक फोर्स है उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलेंगे, बिल्कुल वैसे यहाँ पर भी है, एक किलोग्राम मास के ऊपर लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी बोलेंगे, है ना, बिल्कुल इसी के इक्विवेलेंट, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज, यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास, इसका नाम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसका नाम ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। तो यहाँ पर है फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट मास, और यहाँ पर होता है फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट चार्ज, ठीक है। बाकी ये एफ की बात करें तो एफ का एक्सप्रेशन आपको पता ही है, अगर ये आपका स्मॉल एम ले लेते, ये हम कैपिटल एम ले लेते, तो आपको पता ही है कि ये जो आपका फार्मूला आया था माइनस में जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर आर कैप, यहाँ पर हम एक जगह पर कैपिटल एम लिख देते, एक जगह पर हम स्मॉल एम लिख देते, और उसी स्मॉल एम के ऊपर लगने वाले फोर्स की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर हम स्मॉल एम से डिवाइड कर देते, तो स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पर ई इक्वल टू एफ अपॉन एम में जब हम एफ की जगह पर जी एम वन जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपान आर स्क्वायर लिखेंगे, तो स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल हो जाएगा, तो जो भी कुछ यहाँ मिला था वही मिल जाएगा, बस अपान में एम की वजह से यहाँ वाला एम गायब हो जाएगा, तो ई इक्वल टू माइनस में जी एम अपान में आर स्क्वायर आर कैप, ठीक है। एक चीज का ध्यान रखेंगे आप, यहाँ पर एक कंफ्यूजन हो सकता है, ग्रेविटेशनल फोर्स में ये बात तो आपको पता चल गई यहाँ पर माइनस देख करके, ये पोजिशन वेक्टर आर के बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, लेकिन आपको पता है कि हम जनरली इस फार्मूले को जब स्केलर फॉर्म में लिखते हैं तो हमने आज तक ऐसा ही देखा है एफ इक्वल टू जी एम वन एम टू अपान में क्या आर स्क्वायर, मतलब हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स में, इसका माइनस नहीं दिखाते कि ये वेक्टर आर के अपोजिट है, बिल्कुल वही सेम चीज यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी में भी आपको देखना है, ये ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी भी आपका वेक्टर आर कैप के अपोजिट डायरेक्शन में है, लेकिन जब हम इसके मैग्नीट्यूड की बात करते हैं फार्मूले की बात करते हैं तो उसको हम सीधे सीधे न्यूमेरिकल वैल्यू इसकी लिखते हैं जी एम अपान में आर स्क्वायर, माइनस नहीं दिखाते हैं जनरली कि ये वेक्टर आर के बिल्कुल अपोजिट है। वेक्टर आर के अपोजिट का मतलब क्या? वेक्टर आर के अपोजिट का मतलब क्या है? कहने का मतलब यहाँ पर यही है कि ये देखिए आपका है कैपिटल M। एक्चुअली यहाँ पर कैपिटल M लिया हमने, यहाँ पर हमने लिया स्मॉल M। तो ऐसे केस में आपके फार्मूले में ये हो जाएगा कैपिटल M और यहाँ पर हो जाएगा क्या? स्मॉल M। और कैपिटल M के फ्रेम में ये स्मॉल M इधर की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, इसके ऊपर फोर्स लग रहा है। कितना फोर्स लग रहा है? टोटल F। M मास के ऊपर टोटल F फोर्स लग रहा है। तो अगर पर यूनिट मास के ऊपर फोर्स निकालना है तो इस फोर्स को इसी मास से डिवाइड करना पड़ेगा। हमने इसीलिए इस फोर्स को इस मास से डिवाइड किया स्मॉल M से, तो ये स्मॉल M वाला इस वाले मास से कैंसिल हो जाएगा, तो कैपिटल M ये वाला मास हमारा इस फार्मूले में आ गया। और आप देखिए ये जो फोर्स है वो कैपिटल M मास की तरफ है, इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल फील्ड है वो भी इसी कैपिटल M मास की तरफ है।
मतलब ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो टुवर्ड्स द मास होता है, ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड है या ग्रेविटेशनल फोर्स है वो टुवर्ड्स द मास होता है, इस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए माइनस होता है, ठीक है ना, कि वेक्टर आर के बिल्कुल अपोजिट टुवर्ड्स द मास, मास की तरफ, द्रव्यमान की तरफ ग्रेविटेशनल फील्ड का डायरेक्शन होता है, ये माइनस सिर्फ इसी बात का इंडिकेटर है। न्यूमेरिकल वैल्यू की अगर बात करें तो E इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, आप इसको याद कर सकते हैं। तो आपके ऑप्शन में आप देखिएगा कि माइनस के साथ दिया है या नहीं दिया है, उस हिसाब से आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो जैसे आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पढ़ा था V इज इक्वल टू W बाई अपान में Q, इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक, है ना, इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक यूनिट चार्ज को लाने में जो वर्क डन होता है उसको हम ग्रेविटेशनल, सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बोलते थे। वही सेम स्टोरी आपको यहां भी बोलनी है, सिर्फ चार्ज की जगह पर आपको मास को लेके आना है, कि इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक यूनिट मास को ले आने में जितना हमें वर्क करना पड़ता है वही हो जाता है उस पॉइंट का ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो V इज इक्वल टू W फ्रॉम इन्फिनिटी टू एक कोई पॉइंट है जिसका पोजिशन है R, और अपान में ही हो जाएगा मास, मतलब पर यूनिट मास को इन्फिनिटी से R तक लाने में किया गया वर्क डन उस पर्टिकुलर पॉइंट का, जिस पॉइंट पर हम मास को लाकर के रख रहे हैं उस पॉइंट का हो जाएगा क्या, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ठीक है। और आप इसी चीज को, ये जो आपने इन्फिनिटी से, मान लीजिए ये इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी से आपने एम मास को यहां तक लाने में यूनिट मास, सॉरी एम मास को ले आए हैं ना ये पूरा, तो एम मास को लाए हैं और फिर एम से डिवाइड कर दिया तो यूनिट मास बन गया ये। तो एम मास को इन्फिनिटी से किसी पॉइंट आर तक लाने में जितना भी आपने ये वर्क किया है, इसी वर्क को हम इस पॉइंट का पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। तो यहां पर इसीलिए हमने इसको लिख दिया यू आर, यानी पर्टिकुलर पॉइंट आर पर पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी और अपान में एम, ये जो वर्क डन है यही पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास को हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बोलते हैं, या वर्क डन पर यूनिट मास को हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बोलते हैं, V इक्वल टू W बाई M, ठीक है ना। और उस W को हम पोटेंशियल एनर्जी से भी रिप्लेस कर सकते हैं। आप इसके पहले कंजर्वेटिव फोर्स के केस में ये बात पढ़ चुके हैं कि W फ्रॉम इन्फिनिटी टू R या किसी भी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में W फ्रॉम 1 टू 2 इज इक्वल टू माइनस यू वन माइनस में यू टू, ये आपने पढ़ा हुआ है कंजर्वेटिव फोर्स के केस में। और ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, तो ऐसे में हम वर्क डन का ये जो फार्मूला है हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। यहाँ हमारा इनिशियल जो पॉइंट था वो इन्फिनिटी है, मतलब इन्फिनिटी से हमने स्टार्ट किया और किसी पर्टिकुलर पॉइंट टू पर मान लीजिए आ रहे हैं, तो इन्फिनिटी पर जहां से चले थे इन्फिनिटी पर पोटेंशियल को हम लोग जीरो मानते हैं, तो इनिशियल पॉइंट पर पोटेंशियल को हमने, पोटेंशियल एनर्जी को हमने जीरो ले लिया और ये बाहर माइनस था और ये वाला माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, और जिस पॉइंट पर हम आए हैं उसका हमने पोजिशन आर बोला है तो हम इस यू टू को हम यू आर बोल देंगे, ठीक है। बस हम यही दिखा रहे हैं कि ये जो वर्क डन है ये पोटेंशियल एनर्जी के ही बराबर है, ये चीज आप कंजर्वेटिव वर्क डन के फार्मूले से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए, यहां पर आपने ये भी फार्मूला वहां पर पढ़ा हुआ था कि किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी उसका फार्मूला यू आर इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स एफ डॉट डी आर फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर, ठीक है, ये आपने पहले पढ़ रखा हुआ है। तो इस हिसाब से अगर हम इस वाली चीज को यहां पर यूज करें तो वी इक्वल टू, यहां पर लिखा हुआ था डब्ल्यू अपान में एम, तो डब्ल्यू की जगह पर हम ये पूरा टर्म यूज करेंगे, माइनस में एफ और डॉट में डी आर, और ये अपान में हो जाएगा एम, और एफ अपान एम को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ई, तो हो जाएगा माइनस में ई डॉट डी आर, और ये बन गया आपका रिलेशन बिटवीन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशनल फील्ड। ये बन गया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन, और ये आपने उसमें भी देखा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले केस में, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बीच का रिलेशन यही होता था, वी इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू आर ई डॉट डी आर, बिल्कुल सेम रिलेशन यहाँ पर भी, ठीक है। तो ये सारे फार्मूले आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये मिस्टेक हो जाती है इस तरह के फार्मूले में, और खास करके आपको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन याद रखना है हॉलो स्फीयर के केस में और सॉलिड स्फीयर के केस में, ठीक है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप बोल सकते हैं, नहीं तो फिर आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट, तो देखिए यहां पर है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट, तो किसी भी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो आपको किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट का जो पोटेंशियल मिल गया तो आप डिफरेंस भी निकाल लीजिएगा। आपने अभी लिखा था V इक्वल टू माइनस में इन्फिनिटी टू R, और यहाँ पर होता E डॉट में डी आर, तो एक बार आप यहाँ पर वन ले लीजिए, फिर एक बार यहाँ पर टू ले लीजिए, यहाँ पर टू ले लीजिए, फिर दोनों का डिफरेंस कर दीजिए, तो आपको ये मिल जाएगा V2 माइनस V1, फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस इनिशियल पॉइंट R1 से फाइनल पॉइंट R2 का ये लिमिट हो जाएगा और E डॉट डी आर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो आपने V इक्वल टू E डॉट डी आर लिखा था, ये किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए अगर लिखना है तो इन्फिनिटी टू आर बात करेंगे, और दो पॉइंट का डिफरेंस अगर लेना है तो ये इनिशियल पॉइंट और ये फाइनल पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना, और इसी को हम लोग चाहे तो डेल्टा V बोल दें, ठीक है। नेक्स्ट हमारा रिलेशन बिटवीन कैपिटल E एंड वेक्टर E एंड V, मतलब कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बीच का रिलेशन, जो कि आपने ये पीछे देखा, और इस रिलेशन को आप अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं नॉर्मल फॉर्म में, ग्रेडियंट के फॉर्म में, तो सिंपल सा एक डेरिवेशन टाइप का हो गया, नहीं तो आप सीधे इसको याद कर लीजिए, ये आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी पढ़ा हुआ है, E इक्वल टू इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू निगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वैसे यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड इज इक्वल टू निगेटिव ग्रेडियंट ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो वी इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू आर ई डॉट डी आर, अगर हम इसको ओपन करें वेक्टर को के फॉर्म में, ई एक्स आई कैप, ई वाई जे कैप, ई जेड के कैप, इसको हम लोग लिखें डी एक्स आई कैप, डी वाई जे कैप और डी जेड के कैप, दोनों का डॉट करें और इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमें तीन कंपोनेंट मिल जाएंगे, ठीक है। और ये जो तीन कंपोनेंट हमें मिल गए, इन तीनों कंपोनेंट को अगर हम लोग क्या करें, इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर दें, पार्शियल डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक बार, फिर दूसरी बार पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दें विद रिस्पेक्ट टू वाई और एक बार विद रिस्पेक्ट टू जेड, तो डेल वी बाई डेल एक्स करेंगे तो एक्स के अलावा बाकी सब जीरो हो जाएंगे, और ये आप इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन का उल्टा प्रोसेस होगा, यहां बचेगा सिर्फ ई एक्स, है ना, और माइनस में। यहां पर आप जब दोबारा वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो इसको छोड़कर के ये पूरा जीरो हो जाएगा, और इसका आप डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस में ई वाई हो जाएगा, और इधर हो जाएगा डेल वी बाई डेल वाई, वैसे ही तीसरा वाला भी। तो आपने ई एक्स ई वाई और ई जेड की वैल्यू माइनस से मल्टीप्लाई करके माइनस को इधर शिफ्ट कर दीजिएगा, और फिर आप लिख सकते हैं यहाँ पर ई एक्स ई वाई और ई जेड की ये वैल्यू, और इस पूरे पार्ट को आप लिख सकते हैं ई इक्वल टू निगेटिव ग्रेडियंट ऑफ वी, और इस ग्रेडियंट का मतलब होता है डेल बाई डेल एक्स आई कैप, डेल बाई डेल वाई जे कैप, डेल बाई डेल जेड की कैप, ठीक है। तो ये इसको आप यहाँ पर लिख सकते हैं, तो ये रिलेशन आप इंटीग्रल के फॉर्म में और बाकी ये ग्रेडियंट के फॉर्म में, ये दोनों रिलेशन आप याद रखें, ठीक है ना। वो सारी वही चीजें हैं जो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक वाले चैप्टर में पढ़ी थी, बिल्कुल सेम चीज है, कुछ भी अलग नहीं, ठीक है। बस वहां पर सारी बातें मास के केस में और यहां पर सारी बातें चार्ज के केस में हो रही। नेक्स्ट हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो ये हमने पीछे ही देख लिया कि इन्फिनिटी से किसी पर्टिकुलर पॉइंट तक किसी यूनिट मास को ले आने में जितना वर्क करना पड़ता है, सॉरी यूनिट नहीं, पूरे मास को लाने में जितना वर्क करना पड़ता है उसको हम लोग पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन हो जाएगा एफ डॉट डी आर फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर, और ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करने पर आ जाएगा माइनस में जी एम वन एम टू अपान में आर, यानी अगर यहाँ पर हमारे पास है एम वन मास और M2 मास को हम ले आए कहां से, इन्फिनिटी से, और ला करके इसके बगल में यहां पर रख दिया, ये एक सिस्टम बन गया जिसके बीच का डिस्टेंस अगर R है, तो इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी आप इस फार्मूले के हिसाब से कैलकुलेट करते हैं तो आता है माइनस में जी एम वन एम टू अपान में R, है ना। यानी M1 और M2 को असेंबल करने में, अगर ये दोनों इन्फिनिटी डिस्टेंस पर थे, इनको ला करके आर डिस्टेंस पर रख करके असेंबल करने में जितना आपने वर्क किया वही हो जाएगी क्या, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और इसका ये वाला फार्मूला आप याद करिए, माइनस में जी एम वन एम टू अपान में आर, ठीक है, ठीक है। अगर ऐसा केस हो गया तो एक इन दोनों में से एक हमारी अर्थ हो जाए और दूसरा कोई एक छोटा सा पार्टिकल है, तो यहाँ पर हम एम वन की जगह पर मास ऑफ अर्थ लिखेंगे, और जिस दूसरे पार्टिकल को ले आएंगे जिसका मास स्मॉल एम है उसका मास हम स्मॉल एम लिखेंगे, तो ये हो जाएगा यू इज इक्वल टू माइनस में जी एम एम और अपान में स्मॉल आर, ये हो जाएगा। और स्मॉल आर का मतलब क्या है कि अर्थ और इस बॉडी के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। तो फॉर अ सिस्टम ऑफ एन पार्टिकल, अगर दो पार्टिकल का सिस्टम है तो उसकी तो पोटेंशियल एनर्जी आपने लिख दी, लेकिन अगर तीन चार पांच है तो क्या होगा, आपको हर एक पेयर की पोटेंशियल एनर्जी निकाल निकाल करके जोड़ करके टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी होगी, क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, ठीक है। तो यहां से आप ये वाला फार्मूला, यहां से ये फार्मूला, यहां से ये फार्मूला आप याद कर लीजिए, इस पूरे स्लाइड में ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के फार्मूले का आपस में कंपेरिजन, और ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसको आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अगली क्लास में हम इस टॉपिक के ऊपर काफी अच्छे अच्छे कुछ सवाल भी करेंगे, और उसके पहले आप इसको याद कर लीजिए तो अच्छा होगा। ग्रेविटेशनल फील्ड एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का जो फार्मूला है, दो केस में आपको याद रखना है कि अगर कोई हॉलो स्फीयर है और दूसरा कोई सॉलिड स्फीयर है, मान लीजिए कि ये जो पूरा स्फीयर है इसका रेडियस हम लोग मान रहे हैं कैपिटल आर, एक केस में ये पूरा हॉलो है, खोखला है, दूसरे केस में ये सॉलिड है, तो इस मास की वजह से, इस स्फीयर की वजह से हमें ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल दोनों वैल्यूज को कंपेयर करके याद करना है, ठीक है। तो अगर आपका ये जो स्फीयर है वो एक हॉलो स्फीयर है तो आर ग्रेटर देन आर, आर ग्रेटर देन आर, और स्मॉल आर क्या है, स्मॉल आर है उस पॉइंट का डिस्टेंस जहां पर हम ये वैल्यू या ये वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो मान लीजिए पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी का इस स्फीयर के सेंटर ओ से जो डिस्टेंस है उसको हम स्मॉल आर बोल रहे हैं, और स्मॉल आर वेरी हो सकता है अगर हम इस पॉइंट की बजाय इस पॉइंट की बात करने लगे तो अब हमारा स्मॉल आर इतना हो गया, लेकिन ये जो कैपिटल आर है ये नहीं बदल सकता क्योंकि ये इस पूरे स्फीयर का रेडियस है और स्फीयर आपके पास वही सेम है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि ये कैपिटल आर एक कांस्टेंट है और स्मॉल आर एक वेरिएबल है, इसकी वैल्यू अलग अलग पॉइंट के लिए बदलती रहेगी। तो हम लोग तीन केस में बात करते हैं, एक तो स्फीयर के बाहर, स्फीयर के बाहर वाले किसी भी पॉइंट पर हमें निकालना हो ये फील्ड या ये पोटेंशियल, दूसरा बाहर के अलावा, दूसरा है आपका सरफेस, और तीसरा है आपका इसके अंदर। तो स्फीयर के बाहर वाले पॉइंट के लिए अगर आप देखें तो स्मॉल आर की वैल्यू ज्यादा है इस कैपिटल आर से रेडियस से, सरफेस वाले पॉइंट पर जाएंगे तो स्मॉल आर की वैल्यू रेडियस के बिल्कुल बराबर है तो आर इक्वल टू आर हो जाएगा, और सरफेस के अंदर किसी पॉइंट पर जाएंगे तो ये जो स्मॉल आर होगा वो रेडियस से छोटा हो जाएगा।
तो हमें इन तीनों ही केस में और इन दोनों ही केस में सॉलिड और हॉलो स्फीयर, हमें ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फार्मूला याद रखना है, ठीक है। और इस फार्मूले को आपको कंपेयर करते हुए याद करना है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इंटेंसिटी को भी, ठीक है। तो सबसे पहले ग्रेविटेशन वाला केस याद कर लीजिए, फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला आपका याद हो जाएगा दो लाइन के अंदर। देखिए हॉलो स्फीयर के केस में अगर आप बाहर वाले किसी भी स्फीयर के बाहर वाले किसी पॉइंट की बात करें, जैसे ये स्फीयर है ये यहां पर है, तो अगर आप बाहर वाले किसी भी पॉइंट की बात करते हैं ऐसे केस में इस पूरी बॉडी का जो मास है उसको आप ये मानिए कि वो मास यहां सेंटर पर कंसंट्रेटेड है, यानी आप ये मान सकते हैं कि पॉइंट मास स्मॉल m से ये हुआ स्मॉल r डिस्टेंस, और हमें यहां पर निकालना क्या, ये ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, और आपने अभी पीछे पढ़ा हुआ था e इक्वल टू जी एम अपान आर स्क्वायर। जिस भी मास की वजह से हमें जिस भी पॉइंट पर निकालना है फील्ड इंटेंसिटी, हमें वो मास पता होना चाहिए और उस पॉइंट का इस मास के सेंटर से डिस्टेंस। तो यहां पर वैसे तो मास आपका पूरे इस स्फीयर में है लेकिन डिस्टेंस हम लोग सेंटर से यहां मेजर कर रहे हैं, तो जब भी हम आउटसाइड पॉइंट की बात करते हैं तो रिजल्ट ऐसा आता है जैसे देख के लगता है कि पूरा का पूरा इसका मास यहां सेंटर पर कंसंट्रेटेड है, और वही मास पॉइंट मास m से r डिस्टेंस पर हम लोग फील्ड की वैल्यू लिख रहे हैं। और यही चार्ज वाले केस में भी होता है कि अगर कोई हॉलो स्फीयर हो और पूरा का पूरा चार्ज उसके सर्फेस पर बिखरा हो, तो उसके आउटसाइड किसी पॉइंट पर अगर आप फील्ड निकालेंगे तो आप ये मान के चलेंगे पूरा पूरा जो चार्ज क्यों है वो सर्फेस पर ना होकर के उस स्फीयर के सेंटर पर है, और वहीं से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला यूज किया गया, ठीक है। तो बाहर वाले किसी भी पॉइंट के लिए पूरे मास को सेंटर पर कंसंट्रेटेड आप इमेजिन कर लीजिए, और यहां इस m मास से r डिस्टेंस पर आप ग्रेविटेशनल फील्ड निकालने का फार्मूला पहले ही जानते हैं, जी एम अपान में जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, ठीक है। बाहर वाले पॉइंट का आपने निकाल दिया, और जैसे ही आप सरफेस के ऊपर आएंगे, अब देखिए अब ये जो स्मॉल r है इस पॉइंट और सेंटर के बीच का डिस्टेंस वो इस स्फीयर के रेडियस के इक्वल हो गया, तो इसी स्मॉल r की जगह पर कैपिटल r रख देंगे तो ये वाला फार्मूला आपका बन जाएगा, ठीक है। और तीसरा केस आपका बनता है जब आप इसके अंदर कहीं पर आएंगे, तो चूंकि ये पूरा खोखला है और खोखला होने का मतलब ये कि इसके अंदर कोई मास नहीं है, और इसके अंदर कोई मास नहीं है तो यहां कोई भी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी नहीं होगी। जैसे अगर आपको याद हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की भी बात करते थे तो खोखले स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो होती थी, यहां पर भी क्या हो जाएगी आपकी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी भी क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो आपको बाहर वाले पॉइंट का रिजल्ट याद रखना है, सरफेस पर आएंगे तो बस स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल r रख देना है, और अगर ये खोखला गोला है तो अंदर जाने पर आपकी इंटेंसिटी जीरो हो जाएगी, ठीक है। अब पोटेंशियल की बात करते हैं, बाहर वाले किसी भी पॉइंट पर अगर हम जाएंगे तो पोटेंशियल का जो फार्मूला आएगा ये पीछे वाले फार्मूले से, पीछे अभी आपने देखा ना v इज इक्वल टू w अपॉन m था, w का मतलब पोटेंशियल एनर्जी थी, और वो w या पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई आपने ये भी देखा, अगर हम एक कैपिटल m और एक स्मॉल m मास को लें, ये स्मॉल m मास था तो माइनस में जी एम एम और अपॉन में स्मॉल r, ये पूरा w की वैल्यू आती है या पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आती है, और इसी को जब हम डिवाइड करेंगे स्मॉल m से तो ये स्मॉल m से यहां पर आप लिख लीजिए ये हो जाएगा आपका जी एम और m अपान में r, और ये वाले स्मॉल m से ये स्मॉल m कैंसिल हो जाएगा तो आपको मिलेगा जी एम अपान में क्या r, और यहां पर एक आता है हमेशा माइनस, और उस माइनस का मतलब ये कि अगर हम इन्फिनिटी से किसी पार्टिकल को अर्थ के नजदीक ले आते हैं तो हमें कोई काम करना नहीं पड़ता, बल्कि हमें कहते हैं वर्क प्राप्त होता है ना, वर्क इज नॉट डन वर्क इज ऑब्टेंड, हमें काम प्राप्त होता है, मतलब एक्सटर्नल एजेंट यहां पर वर्क करता है, और यही हमने पीछे फार्मूला बताया कि u इज इक्वल टू माइनस यहां पर ये क्या है f डॉट में dr, ये माइनस इसी वजह से आया क्योंकि आपने एक्सटर्नल एजेंट ने कोई वर्क नहीं किया है, इसने खुद इस कंजर्वेटिव फोर्स ने खुद इसके ऊपर वर्क किया है और इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट किया है अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से, अट्रैक्टिव नेचर की वजह से, तो इस ग्रेविटेशनल फोर्स ने इस कंजर्वेटिव फोर्स ने इस पार्टिकल को यहां से यहां लाने में खुद काम किया है, आपने काम नहीं किया है, अगर आप काम किए होते तो यहां पर हम लिखते क्या, यहां पर हम इसी चीज को लिखते हैं एफ अप्लाइड जो कि सिर्फ प्लस में लिखा जाएगा और ये हो जाएगा क्या डॉट डी आर इज इक्वल टू यू। तो पोटेंशियल एनर्जी के दोनों फार्मूले आपको याद है, अगर आप कंजर्वेटिव फोर्स के या ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगी, लेकिन अगर वो कंजर्वेटिव फोर्स खुद वर्क करेगी तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी, और ये फार्मूला आपने दोनों देखा होगा है ना, ये अप्लाइड या एक्सटर्नल एजेंट की वजह से वर्क डन और ये है कंजर्वेटिव फोर्स की वजह से वर्क डन, ठीक है। तो यहां पर हमें नहीं करना पड़ता, ये खुद करती है, इसलिए यहां पर हमें माइनस भी मिलता है इस फार्मूले में, तो v इक्वल टू माइनस में जी एम अपान आर, बाहर वाले किसी भी पॉइंट पर इस पूरे मास की वजह से जो पोटेंशियल आएगा उसका फार्मूला हो जाएगा माइनस में जी एम अपान में ये डिस्टेंस स्मॉल r, और सरफेस पर अगर आप जाएंगे तो स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल r कर देंगे तो सरफेस का फार्मूला आ जाएगा, और जितना सरफेस पर पोटेंशियल होता है अंदर भी पोटेंशियल सेम होता है, आपने इलेक्ट्रिसिटी में भी पढ़ा हुआ है कि सरफेस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और उसके अंदर हॉलो स्फीयर के अंदर सेम होता है, अंदर पोटेंशियल उतना ही है जितना सरफेस पर है लेकिन अंदर फील्ड उतना नहीं है जितना सरफेस पर है, सरफेस पर फील्ड की वैल्यू थी लेकिन अंदर जाने पर फील्ड की वैल्यू जीरो है, जबकि सरफेस पर जितना पोटेंशियल था अंदर भी पोटेंशियल उतना ही है, ये बिल्कुल सेम चीज आपने वहां पर भी पढ़ा था और वही सेम रिजल्ट यहां पर भी,
ठीक है। तो ये था आपका हॉलो स्फीयर का केस। बिल्कुल इसी तरीके से हम लोग सॉलिड स्फीयर का भी केस समझ लेते हैं। सॉलिड स्फीयर के केस में क्या होता है कि अगर कोई आपके पास ये सॉलिड स्फीयर है, ऐसे केस में जो बाहर वाला रिजल्ट होता है उसमें देखिए कोई भी चेंज नहीं, क्योंकि बाहर वाले पॉइंट की जब भी आप बात करेंगे पूरे के पूरे मास को सेंटर पर कंसंट्रेटेड मानेंगे, और जैसा रिजल्ट आपने यहां यहां लिखा बिल्कुल वही सेम रिजल्ट यहां भी आएगा, पहली बात। दूसरी बात, जब सरफेस की बात आएगी तो सिर्फ इतना ही चेंज होता है कि स्मॉल आर को कैपिटल आर से रिप्लेस करना होता है, तो जैसे आपने यहां किया था बिल्कुल वही सेम चीज यहां पर है, ये पूरा रिजल्ट और ये पूरा रिजल्ट बिल्कुल सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं। तो अगर आप देखा जाए तो इस दोनों ही केस में अभी तक हॉलो और सॉलिड स्फीयर की वजह से कोई भी चेंज नहीं आया, और वो चेंज आएगा कब, जब हम जाएंगे इस स्फीयर के अंदर, क्योंकि स्फीयर के अंदर जाने पर हॉलो स्फीयर में तो कुछ नहीं था, सॉलिड स्फीयर में मटेरियल भरा हुआ है। तो स्फीयर के अंदर जाने पर जहां खोखले वाले स्फीयर में इंटेंसिटी जीरो थी, इसमें इंटेंसिटी जीरो नहीं होती बल्कि जी एम आर अपान आर क्यूब लिखा हुआ है। आप देखिए ये जो ई का एक्सप्रेशन होता है यहां पर, देखिए जी एम अपान आर स्क्वायर होता है, और डायमेंशनली इसको और इसको करेक्ट होने, याद करने का तरीका बता रहे हैं, डायमेंशनली इसको करेक्ट होने के लिए अगर आप यहाँ स्मॉल आर ला रहे हैं तो यहाँ भी डिस्टेंस का कोई टर्म आएगा, और यहाँ अपान में जो डिस्टेंस का टर्म आता है वो यही वाला रहता है जो पहले से था, इसी में एक और आर आ जाएगा तो ये आर पावर थ्री बन जाएगा। ये याद करने के लिए है कि अगर आपको ये बात याद रहे कि ई प्रोपोर्शनल टू स्मॉल आर तो होता है, लेकिन अपान में क्या होता है, अगर आप ये भूल गए तो आप डायमेंशन का मेथड यूज करिए, अगर यहाँ पर आपने एक्स्ट्रा लेंथ बढ़ाया हुआ है तो यहाँ भी एक लेंथ का डायमेंशन आ जाएगा, ठीक है। और इस फार्मूले से ये बात पता चल रही है कि E प्रोपोर्शनल टू क्या, स्मॉल r। E प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r का मतलब आप अगर इस सॉलिड स्फीयर के अंदर, यहाँ सेंटर है और ये आपका मान लीजिए हो गया क्या, अंदर वाले पॉइंट का ये डिस्टेंस हो गया, ये हो गया आपका सेंटर से ये डिस्टेंस स्मॉल r। तो जैसे जैसे ये स्मॉल r की वैल्यू बढ़ेगी, मतलब सेंटर से आप जैसे जैसे सरफेस की तरफ जाएंगे वैसे वैसे E की वैल्यू बढ़ेगी, और सरफेस पर जाएंगे तो एकदम कॉन्स्टेंट हो जाएगी, और जब बाहर चले जाएंगे तो E प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो सेंटर से सरफेस की तरफ जाने पर जो फील्ड की वैल्यू होती है वो आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा सेंटर से वैसे वैसे ई की वैल्यू बढ़ेगी, सॉलिड स्फीयर के केस में। हॉलो स्फीयर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां से यहां तक कोई भी फील्ड आपको नहीं मिलेगा। हॉलो स्फीयर में फील्ड यहां से स्टार्ट होगा, लेकिन सॉलिड स्फीयर में सेंटर से सेंटर पर जीरो होगा, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे ये बढ़ता जाएगा, यहां जाकर के कॉन्स्टेंट हो जाएगा, और उसके बाद आप बाहर निकलेंगे तो बिल्कुल वैसा ही मिलेगा जैसा यहां पर मिल रहा था, बिल्कुल वैसा ही, ठीक है। तो ये वाला एक्सप्रेशन चेंज हुआ था जो, इसको आप याद रखिएगा, बाकी सब कुछ बिल्कुल सेम था। वैसे ही पोटेंशियल में बात करें तो ये भी बिल्कुल सेम होगा सरफेस पर और उसके बाहर वाले पॉइंट के लिए। अंदर जाएंगे तो पोटेंशियल का जो एक्सप्रेशन आएगा वो सबसे अलग है, थोड़ा लेंदी भी है, इसको आप याद कर लीजिए कि माइनस में जी एम अपान में 2r क्यूब और ब्रैकेट में 3r स्क्वायर माइनस में स्मॉल r स्क्वायर। यहां पर कैपिटल r जो है वो रेडियस है स्फीयर का जो कि कांस्टेंट है, स्मॉल r यहां पर वेरी कर रहा है, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन निकल के आता है अंदर वाले पॉइंट के लिए कि अंदर आप सेंटर से जैसे जैसे सरफेस पर जाएंगे अंदर से स्मॉल आर की वैल्यू जब आप चेंज करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपकी वी की वैल्यू भी चेंज होगी, और जैसे आप स्मॉल आर की जगह पर कैपिटल आर रख देंगे इसका मतलब आप सरफेस पर पहुंच गए, और इसी को आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये वाला रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। तो ये फार्मूले आपको याद रखने होंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और फील्ड के, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और फील्ड के ये फार्मूले अगर आपको याद हो जाए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का फार्मूला याद करने के लिए सिर्फ यहां पर जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी है आप उसको के वाले कांस्टेंट यानी इस वाले कांस्टेंट से रिप्लेस कर दीजिएगा, और सिर्फ यहां पर जहां जहां मास है जिसकी वजह से ये फोर्स लग रहा है उसको आप रिप्लेस कर दीजिएगा चार्ज से जिसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का जो फार्मूला आपने हॉलो स्फीयर और सॉलिड स्फीयर के लिए याद किया है ये पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाएगा यहां पर, हम लिख देंगे क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक। सिर्फ यहां पर आप लिख दीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक, और जहां जहां कैपिटल जी है वहां वहां 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख लीजिए, और जहां जहां ये आपका एम है वहां वहां आप क्यू लिख लीजिए, तो ये बिल्कुल इसी का कॉपी हो जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक के केस में, ठीक है। और ये चारों मिला करके, मतलब दो केस ये और दो केस वहां का मिला करके कई सारे सवाल आपके एग्जाम में आ सकते हैं, और एक ही स्लाइड से आप कई सारे नंबर को अपने एग्जाम में जोड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और ये पूरा टेबल भी आपको याद रखना होगा। तो अब हम लोग आ गए हैं उस सेक्शन के ऊपर जिससे आपके प्रीवियस ईयर में सवाल पूछे गए हैं, दो तीन सवाल आपके ग्रेविटेशन टॉपिक से दिख रहे हैं प्रीवियस ईयर में मेरे हिसाब से, और वो जो दो से तीन सवाल पूछे गए हैं वो पूरे के पूरे इसी सेक्शन से आए हैं, केपलर्स लॉ प्लैनेटरी मोशन और इसमें आगे जो हम पढ़ेंगे इसी सेक्शन से वो सारे के सारे सवाल पूछे गए, ठीक है। शॉर्ट में हम यहाँ पर केपलर्स लॉ को समराइज कर लेते हैं, आपको पहले से पता भी है कि केपलर ने प्लैनेटरी मोशन के, मतलब सन के चारों ओर जो प्लैनेट्स घूमते हैं उनके लिए तीन लॉज बताए कि सन के चारों ओर जो प्लैनेट्स हैं, जो ग्रह हैं, वो जो घूमते हैं उसके लिए केपलर ने तीन लॉज बताए हैं, इनका नाम है लॉ ऑफ ऑर्बिट, दूसरा है लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी या स्पीड, और तीसरा है लॉ ऑफ पीरियड। तो लॉ ऑफ ऑर्बिट यही बताता है कि जो प्लैनेट है
वो सन के चारों ओर किस तरह के ऑर्बिट में घूमता है, जो प्लैनेट है वो सन के चारों ओर किस तरह के ऑर्बिट में घूमता है, वो लाफ ऑर्बिट में आपको पता चलेगा। और वो ऑर्बिट कैसा होता है, इलिप्टिकल, है ना। यानी जो आपका प्लैनेट है वो सन के चारों ओर इलिप्टिकल ऑर्बिट में, इस तरीके के ऑर्बिट में घूमता है। और सन कहां रहता है, सन यानी सूरज जो है वो इस पूरे इलिप्टिकल पाथ में, जो दो फोकस होते हैं आपको पता है इलिप्स में दो फोकस है, एक फोकस यहां है एक फोकस यहां है, तो दोनों फोकस में से किसी एक फोकस पर सन होगा और जो प्लैनेट आपका होगा वो उसके चारों ओर इस तरीके से इलिप्टिकल पाथ में घूम रहा होगा। यानी आपका प्लैनेट कभी किसी टाइम पर सन के सबसे नजदीक होगा और कभी किसी टाइम पर आपका प्लैनेट सन से सबसे ज्यादा दूर भी होगा, ठीक है। अगर आपका ये सन यहाँ इस वाले फोकस पर आप इमेजिन कर रहे हैं, तो जब आपका प्लैनेट यहाँ पहुंचेगा तो उस टाइम प्लैनेट यानी कि ग्रह और सूर्य के बीच की दूरी सबसे कम होगी इस टाइम पर, लेकिन जब यही प्लैनेट घूमते घूमते यहाँ पहुंच जाएगा इस टाइम इनके बीच की दूरी सबसे ज्यादा हो जाएगी। और आपको सवाल ध्यान रखना है इस मैक्सिमम डिस्टेंस और मिनिमम डिस्टेंस के ऊपर, सन और प्लैनेट के बीच की ये हुई मिनिमम डिस्टेंस और ये हुई मैक्सिमम डिस्टेंस। और आप देख के ये बता सकते हैं इस वाले इलिप्स के अंदर ये है आपका मेजर एक्सिस और ये है आपका माइनर एक्सिस, इसको बोलते हैं माइनर एक्सिस, इसको बोलते हैं मेजर एक्सिस। तो सन और प्लैनेट के बीच की जो मैक्सिमम डिस्टेंस है और मिनिमम डिस्टेंस है, अगर आप इनके बीच में रिलेशन बनाना चाहें तो आप लिख सकते हैं कि आर वन प्लस आर टू इज इक्वल टू मेजर एक्सिस ए, है ना। ए इक्वल टू क्या, आर वन, सॉरी ए, हमने सेमी मेजर एक्सिस को ए बोला है, तो पूरे मेजर एक्सिस की अगर हम बात करें तो पूरा मेजर एक्सिस हो जाएगा आर वन प्लस आर टू, लेकिन सेमी मेजर एक्सिस जो होगा वो उस पूरे मेजर एक्सिस का आधा ही होगा, तो यानी इसका हमें अपान करना होगा, तो वो स्मॉल ए के बराबर होगा। ये पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी, अगर हम इसको मान लीजिए ए डैश बोल दें, तो ए डैश इक्वल टू हो जाएगा आर वन प्लस आर टू, और ए डैश का मतलब ये पूरा लेंथ हो गया और ये हमारा स्मॉल ए, तो इसका जब हम आधा करेंगे ए डैश का आधा, तो उसका नाम है स्मॉल ए, यानी आर वन प्लस आर टू अपान में टू। ये रिजल्ट आप याद रखिएगा कि सेमी मेजर एक्सिस इज इक्वल टू द एवरेज ऑफ मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन सन एंड द प्लैनेट, इसके ऊपर सवाल पूछा जाता है, आप बहुत अच्छे तरीके से इसको नोट कर लीजिएगा। मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस जोड़ेंगे पूरा लेंथ आएगा, सेमी मेजर एक्सिस लेना तो इसका आधा करना होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी। तो लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी क्या बोलता है कि जो प्लैनेट हमारा है, ये प्लैनेट अगर किसी पर्टिकुलर टाइम डेल्टा टी में यहां से मूव करके यहां पर जाता है, तो इस प्लैनेट और सन को मिलाने वाली ये जो लाइन है, इसने कितना एरिया स्वीप आउट किया, कितना एरिया कवर किया, तो आप देखिए ये वेक्टर जो था वो यहां पहुंच गया, इसके अंदर इतना टोटल एरिया कवर हो रहा है, यानी डेल्टा टी टाइम में आपके इस प्लैनेट और सन को मिलाने वाली इस लाइन ने टोटल इतना एरिया कवर किया, आपने इस एरिया की वैल्यू को मान लीजिए कैलकुलेट कर लिया। अब हमने ये देखा कि यही हमारा प्लैनेट जब घूमते 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 इधर आएगा, सन के काफी नजदीक आएगा, तो ऐसे केस में अगर हम यहां पर मान लीजिए इस पॉइंट को बोल रहे हैं ए डैश, तो उतने ही टाइम में अगर हम देखें तो उतने ही टाइम में यहां पर भी बिल्कुल सेम एरिया कवर करता है जितना एरिया यहां पर कवर किया था डेल्टा टी टाइम में ही, यहां पर अगर हम देखते हैं तो उतना ही एरिया कवर करता है। और आप देखिए कि उतना ही एरिया कवर करने के लिए इसको काफी तेज जाना होगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा नजदीक है, तो ये एरिया इस एरिया के बराबर हो तो इसको काफी ज्यादा यहां पर ट्रेवल करना पड़ेगा ताकि यहां इसके अंदर जो एरिया कवर हो वो इस वाले एरिया के बराबर हो जाए। अगर ये जितना ये आर्क लेंथ, अगर इतना ही आर्क लेंथ यहां पर होगा तो ये वाला एरिया इस वाले एरिया के बराबर नहीं होगा, क्योंकि आप ये भी तो देखिए इसकी लंबाई भी इतनी ज्यादा है। अगर आर्क लेंथ ये वाला और ये वाला आर्क लेंथ बराबर हो जाए तो ये तो बहुत थोड़ी सी लंबाई, तो इसके अंदर जो एरिया आएगा वो इस एरिया से कम रहेगा। तो यहां पर प्लैनेटरी मोशन को ऑब्जर्व करके केपलर ने ये बताया कि सन और प्लैनेट को मिलाने वाली जो लाइन है वो इक्वल टाइम में इक्वल एरिया स्वीप आउट करती है। अगर डेल्टा टी टाइम में यहां पर जितना एरिया कवर किया है तो डेल्टा टी टाइम में यहां भी उतना ही एरिया कवर करेगा, और इसके लिए जरूरी है कि इसका मतलब फिर यहां पर तेज चलेगा। तो यहां से एक दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आया न्यूमेरिकल का आपके, कि जिस टाइम, अगर हम यहां पर इस वाले केस को देखें, जिस टाइम आपका प्लैनेट सन से सबसे ज्यादा दूर होता है, सबसे ज्यादा दूर जब होता है, इस डिस्टेंस को हम बोल रहे हैं आर वन, यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस को क्या बोल रहे हैं आर वन। जिस टाइम सन और प्लैनेट के बीच की डिस्टेंस सबसे ज्यादा होती है, उस टाइम प्लैनेट की जो स्पीड होती है वी वन, वो सबसे कम होती है। यानी दूर रहेगा तो धीरे धीरे चलेगा, पास रहेगा तो तेज चलेगा, तभी इक्वल टाइम में इक्वल एरिया स्वीप आउट हो पाएगा, जो कि रियलिटी है, ठीक है। तो इसलिए जब ये सबसे ज्यादा दूर है उस टाइम वी की वैल्यू, ये आर वन मैक्सिमम है लेकिन ये वी वन मिनिमम हो गया, और जब यहां सबसे नजदीक आएगा उस टाइम ये आर टू आपका मिनिमम है, लेकिन इस टाइम जो वी टू है वो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना आपको न्यूमेरिकल के लिए, ठीक है। और आपको पता है एरियल वेलोसिटी को डी अपॉन डी टी से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहां पर हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं तो जे अपॉन टू एम आता है, यानी एंगुलर मोमेंटम अपॉन टू टाइम्स ऑफ मास ऑफ द प्लैनेट, और ये पूरा एरियल वेलोसिटी या जे अपॉन टू एम कांस्टेंट है। तो इसका मतलब अगर हम इस मास ऑफ प्लैनेट को मल्टीप्लाई कर दें, ये भी पूरा एक कांस्टेंट ही बनेगा, यानी कुल मिला के आप कह सकते हैं जे इक्वल टू क्या हुआ, कांस्टेंट हुआ। यानी प्लैनेट जो सन के चारों ओर घूम रहा है उसका जो एंगुलर मोमेंटम है, उसका जो कोणीय संवेग है, वो नियत रहता है। यानी आप ये बोल सकते हैं कि लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के ऊपर बेस्ड है। ये सवाल पूछा जाता है कि केपलर का ये जो दूसरा वाला नियम है, जिसको हम लोग क्षेत्रीय चाल का नियम बोलते हैं, एरियल स्पीड का लॉ बोलते हैं, वो किसके संरक्षण पर आधारित है, तो वो एंगुलर मोमेंटम के संरक्षण, यानी आपका क्या बोलेंगे, कोणीय संवेग के संरक्षण पर ही आधारित होता है।
तो डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू जे अपॉन टू एम, आपको ये एक्सप्रेशन याद करना होगा। और ये पूरा पूरा पार्ट किसी भी कंजर्वेटिव किसी भी सेंट्रल फोर्स के लिए क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है, ये आपने प्रॉपर्टी में पढ़ा। तो किसी भी सेंट्रल फोर्स के लिए डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स के केस में डी ए अपॉन डी टी कॉन्स्टेंट तो है, बट उस कॉन्स्टेंट का नाम है जे अपॉन टू एम, और फिर ये भी इधर चला जाएगा तो ये कॉन्स्टेंट जे हो जाएगा, और जे मतलब एंगुलर मोमेंटम है, यानी ये एंगुलर मोमेंटम के ऊपर बेस्ड है, कोणीय संवेग के ऊपर आधारित है। इसका मतलब कि ये जब आपका प्लैनेट यहाँ पर था, ये जब प्लैनेट आपका यहाँ पर था, इन दोनों ही केस में आप लिख सकते हैं जे वन इज इक्वल टू क्या, जे टू। और जे वन इज इक्वल टू होता है क्या, जे वन इक्वल टू जे टू, और यहाँ पर आप जानते हैं आर इंटू में पी, है ना, आर इंटू में पी, यहाँ पर भी हो जाएगा आर इंटू में पी, मतलब आर टू इंटू में पी टू। यहाँ पर आप इसको लिखेंगे क्या, आर और पी की जगह पर एम इंटू वी अगर आप लिखते हैं तो क्या हो जाएगा ये, यानी आर वन एम वी वन इज इक्वल टू आर टू एम वी टू, और एम से एम कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आर वन वी वन इज इक्वल टू हो गया आर टू और क्या वी टू। और ये बहुत बड़ी बात हो गई, ये बहुत बड़ी बात हो गई कि R1 V1 is equal to R2 V2। R1 मतलब जो मैक्सिमम डिस्टेंस था प्लैनेट और सन के बीच का डिस्टेंस, और V1 का मतलब जो मिनिमम उसकी लीनियर वेलोसिटी थी, और R2 का मतलब जो मिनिमम डिस्टेंस था और V2 का मतलब जो मैक्सिमम वेलोसिटी थी, इनके बीच में यानी मैक्सिमम डिस्टेंस और मैक्सिमम वेलोसिटी, मिनिमम डिस्टेंस और मिनिमम वेलोसिटी के बीच का ये पूरा रिजल्ट आपने रिलेशन निकाल लिया है। तो ये रिलेशन भी इसी न्यूमेरिकल के साथ आपका ऐड हो जाएगा, अगली क्लास में ये पता चलेगा, ठीक है, न्यूमेरिकल के साथ। और नेक्स्ट है आपका लॉ ऑफ पीरियड, जिसको बोलते हैं टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। ए आपको पता ही चल गया, सेमी मेजर एक्सिस, यानी प्लैनेट सन के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगाएगा, उस समय का, उस टाइम पीरियड का जो स्क्वायर होगा वो उस इलिप्टिकल पाथ के, उस दीर्घवृत्तीय कक्ष के अर्ध दीर्घ अक्ष यानी कि ए सेमी मेजर एक्सिस ए के पावर थ्री के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। तो ये रिजल्ट है आपका, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ पीरियड। ए क्या है, सेमी मेजर एक्सिस, और टी क्या है, टाइम पीरियड ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन, ठीक है। तो दो इंपॉर्टेंट कंक्लूजन, तीन इंपॉर्टेंट कंक्लूजन यहाँ से निकला, एक तो आपका ये वाला रिलेशन, दूसरा आपका ये रिलेशन, और तीसरा कि ये डीए अपॉन डीटी जे अपॉन टू एम के ऊपर होता है, और ये कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के ऊपर बेस्ड होता है। ये तीन पॉइंट आपको इस स्लाइड से नोट कर लेने, और अगले जो दो तीन स्लाइड है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसा अभी तक पिछला पेपर आपका जो रिस्पॉन्स दे रहा है उसके बेसिस पर बोल रहे हैं। बाकी पढ़ना तो आपको पूरा है, क्योंकि सिलेबस में हर एक चीज है और कुछ भी पूछ सकते हैं इस बार, ठीक है। तो जो भी तीन न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आए हैं वो तीनों न्यूमेरिकल इसी पेज के अंदर है, ठीक है ना, वो न्यूमेरिकल्स आपके इसी पेज के अंदर हैं। पूरा कुछ हमने पीछे समझा दिया, एक बार फिर से आप देख लीजिए। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से जो निकल के आती हैं बातें, वो ये, पहली बात तो ये जो इलिप्टिकल पाथ होता है प्लैनेट का, ये मान लीजिए प्लैनेट है, ये प्लैनेट सन के अराउंड, मान लीजिए सन यहाँ फोकस पर है, तो सन के अराउंड ये जो प्लैनेट का ये पाथ है इलिप्टिकल पाथ, इस इलिप्टिकल पाथ का जो पोलर इक्वेशन है, ये पोलर फॉर्म है इलिप्स का, पोलर फॉर्म है, ठीक है ना, कार्टेशियन फॉर्म आपको पता ही है, ऐसा लिखते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन, है ना, ये कार्टेशियन फॉर्म है, ये पोलर फॉर्म है। तो L अपॉन R इज इक्वल टू वन प्लस ई कॉस थीटा, यहाँ R आपको दिख रहा है सन और प्लैनेट को मिलाने वाली जो लाइन है उसकी डिस्टेंस है, थीटा आपको दिख रहा है कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ ये आपका डिस्टेंस एंगल थीटा है। R L जो है इसको बोलते हैं लैटस रेक्टम, L मतलब होता है लैटस रेक्टम, लैटस रेक्टम का मतलब कि ये फोकस से पास होने वाली जो वर्टिकल लाइन है इसकी टोटल लेंथ है ना। L इक्वल टू यहाँ होता है माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए, यहाँ होता है प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए, तो कुल मिलाकर के टू बी स्क्वायर अपॉन एल, मतलब ए, ठीक है ना, टू बी स्क्वायर अपॉन में ए, इसको हम बोलते हैं लैटस रेक्टम, ठीक है। तो L अपॉन R इज इक्वल टू वन प्लस ई कॉस थीटा, और ये जो E है इसको हम बोलते हैं इसेंट्रिसिटी, उत्केंद्रता, इसेंट्रिसिटी, ठीक है। तो L अपॉन R इज इक्वल टू वन प्लस ई कॉस थीटा, ये हो गया प्लैनेट के इस पाथ का यानी इलिप्टिकल पाथ का पोलर इक्वेशन। और इस इक्वेशन को अगर हम दो केस में यूज करें, ध्यान से देखिएगा, अगर हम इस इक्वेशन को दो केस में यूज करें, पहला केस क्या कि जब आपका प्लैनेट यहां पर है, तो जब प्लैनेट यहां पर है तो सन और प्लैनेट के बीच की मैक्सिमम डिस्टेंस होगी और मिनिमम वेलोसिटी होगी, ठीक है। तो हम इस इक्वेशन को उस केस में क्या लिखेंगे, ऐसे L by R1 is equal to 1 plus E cos, और आप देखिए इस केस में ये जो एंगल है, अगर ये जो वेक्टर है वो ऐसे ऐसे करके यहां चला जाए तो ये एंगल हो जाएगा 0, cos 0 की वैल्यू 1, कुल मिला के आपको मिलेगा 1 plus E, ये पहला इक्वेशन यहां से बन जाएगा। इस पर्टिकुलर केस में मैक्सिमम डिस्टेंस या मिनिमम वेलोसिटी के केस में L upon R1 equal to 1 plus E बन जाएगा। और यहां देखिए यही प्लैनेट आपका ये जो था, जो इधर गया था अभी, वो अगर यहां से ऐसे होते 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 इधर चला आए, यहां पहुंच जाए, तो अब हॉरिजॉन्टल के साथ ये जो थीटा एंगल बन रहा है ये पूरा 180 डिग्री हो जाएगा, और जो डिस्टेंस प्लैनेट और सन के बीच का यहां पर R1 था मैक्सिमम, अब ये मिनिमम हो जाएगा R2। तो अब आप लिखेंगे L अपॉन R2 इज इक्वल टू 1 प्लस E, और cos थीटा में थीटा 180 डिग्री और cos 180 की वैल्यू माइनस 1, तो कुल मिलाकर के ये जो प्लस है ये हो जाएगा माइनस 1 माइनस में E इक्वेशन नंबर, ठीक है, क्लियर है। यानी आपने इस वाले इक्वेशन को इस पर्टिकुलर केस में और इस पर्टिकुलर केस में यूज किया है, थीटा इक्वल टू 0 और आर इक्वल टू मैक्सिमम जिसको आर वन बोल रहे हैं, यहाँ थीटा इक्वल टू 180 डिग्री और आर इक्वल टू मिनिमम जिसको हम आर टू बोल रहे हैं, इस केस में हमने इस इक्वेशन को दो बार यूज किया। अब आप इनको आपस में डिवाइड कर लीजिए, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, आर टू ऊपर चला जाएगा, तो आर टू अपॉन आर वन इक्वल टू वन प्लस ई अपॉन में वन माइनस ई आ जाएगा। और आर टू का मतलब यहाँ पर क्या है, आर टू का मतलब, अच्छा यहाँ एक मिनट, एक मिस्टेक हो गई है ये लिखने में, आर टू का मतलब यहाँ पर है
मैक्सिमम की मिनिमम, इस हिसाब से हमें इसके नाम को चेंज करना पड़ेगा। जब ये थीटा जीरो था, थीटा यहाँ पर जब जीरो था तो ये आर वन हमने लिया है, इस बेसिस पर ये आर टू ऊपर चला जाएगा, तो ये मैक्सिमम नहीं है, ये गलत हो गया। ये देखिए आर टू हो जाएगा, आर टू मतलब ये मिनिमम वाली डिस्टेंस और आर वन का मतलब मैक्सिमम डिस्टेंस, तो आर टू अपान आर वन इक्वल टू वन प्लस ई अपान में वन माइनस दिया जाएगा। ये रिजल्ट आपको याद रखना है न्यूमेरिकल के लिए कि सन और प्लैनेट के बीच की मैक्सिमम डिस्टेंस और मिनिमम डिस्टेंस के बीच का जो रिलेशन होता है वो होता है वन प्लस ई अपान में वन माइनस ई, ठीक है। और दूसरा एक केस आपने जो एंगुलर मोमेंटम का अभी पीछे यूज किया था, एंगुलर मोमेंटम जे इक्वल टू होता है एम आर स्क्वायर ओमेगा, तो यहां से हम एम के बजाय म्यू यूज करेंगे अगर सिस्टम के लिए रिड्यूस्ड मास, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा और यहां से आप इसको ओमेगा वी इक्वल टू होता है आर इंटू ओमेगा, तो ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा वी बाई आर, है ना। तो ओमेगा की जगह पर अगर हम वी बाई आर यूज करें तो एक आर से एक आर कैंसिल होगा, एक आर से एक आर कैंसिल होगा, तो कुल मिलाकर हमें मिलेगा यहां से एक आर बचेगा, यहां वी आ जाएगा, यहां एक आर बचेगा वी आ जाएगा, वही जो पीछे हमने अभी प्रूव किया था वी वन आर वन इक्वल टू वी टू आर टू। और यहाँ पर V1 R1 equal to V2 R2 में अगर हम R2 upon R1 निकालें, R2 upon R1, तो हमें मिलेगा V1 upon में क्या V2, V1 upon में V2। और R2 क्या है, ये मिनिमम डिस्टेंस है, R1 क्या है मैक्सिमम डिस्टेंस है, V1 क्या है, V1 है मिनिमम स्पीड और V2 क्या है मैक्सिमम स्पीड। तो आप यहाँ पर देख लीजिए मिनिमम स्पीड अपॉन मैक्सिमम स्पीड, मिनिमम स्पीड अपॉन मैक्सिमम स्पीड इज इक्वल टू मिनिमम डिस्टेंस, सॉरी 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 कुछ गड़बड़ हो गया, ये हुआ आपका मैक्सिमम डिस्टेंस और मिनिमम स्पीड, ठीक है। मिनिमम स्पीड अपान में मैक्सिमम स्पीड इज इक्वल टू ये मिनिमम डिस्टेंस अपान में मैक्सिमम डिस्टेंस इज इक्वल टू वन प्लस ई अपान में वन माइनस ई, ठीक है। तो ये मैक्सिमम मिनिमम स्पीड का, मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस का ये रिलेशन आपको याद रखना है। आप चाहे तो यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, एक रूल होता है जिसको हम कंपोनेंडो और डिवेंडो रूल बोलते हैं, युगांतरा अनुपात का नियम, जो बोलता है कि अगर ए अपान बी इक्वल टू सी अपान डी लिखा है तो अगर हम नीचे वाले को ऊपर वाले में प्लस करें फिर ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करें तो ये देखिए योग हो गया, योग हो गया और ये अंतर हो गया, बिल्कुल इसमें हमने इसको प्लस किया फिर हमने इसको इसमें से माइनस किया। सेम चीज हम इधर भी करते हैं, सी में डी को जोड़ लेंगे, सी में से डी को माइनस कर लेंगे, इसको बोलते हैं कंपोनेंडो एंड डिवेंडो रूल, या फिर इसी को बोलते हैं योगांतरा अनुपात का नियम। ये रूल अगर हम यहां पर अप्लाई करें इस वाले इक्वेशन में तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि R2 माइनस में R1 डिवाइडेड बाय R2 प्लस में R1, देखिए R2 माइनस में R1 डिवाइडेड बाय R2 प्लस में R1, तो अगर आप इसमें इसको माइनस कर रहे हैं फिर अपान में दोनों को प्लस कर रहे हैं, वो चीज आप यहां भी कर सकते हैं। और वो क्या करेंगे, V1 माइनस में V2 और अपान में V1 प्लस में V2, और वो चीज आप यहां भी करेंगे, इसमें ये पूरा ऊपर जाके माइनस होगा और जब ये जाके माइनस होगा तो ये माइनस प्लस बन जाएगा और ये प्लस माइनस इससे ये कैंसिल और ई मिलाकर के 2e हो जाएगा। और सेम चीज को आपको नीचे जोड़ेंगे, ई से ई कैंसिल हो जाएगा 2 बचेगा और 2 से 2 कैंसिल करेंगे सिर्फ ई बचेगा, ठीक है ना। मतलब जो जो आपने इन दोनों के बीच में किया हुआ वही सेम चीज आप इसको भी करेंगे तो कुल मिला के आपको मिलेगा स्मॉल ई। और आपका सवाल आता है इसेंट्रिसिटी पूछा जाता है इलिप्टिकल पाथ का, तो इलिप्टिकल पाथ की इसेंट्रिसिटी निकालने के लिए आपको ये मिनिमम डिस्टेंस मैक्सिमम डिस्टेंस पता होना चाहिए, आपको ये मिनिमम वेलोसिटी और मैक्सिमम वेलोसिटी पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हुआ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला जो कि प्रीवियस ईयर में जो सवाल पूछे गए इस चैप्टर से, ग्रेविटेशन टॉपिक से, उसके लिए, ठीक है। एक टाइम पीरियड का क्वेश्चन पूछा गया, बाकी दो क्वेश्चन यहीं से पूछे गए, ठीक है। तो यहां पर ये बात क्लियर है कि R1 मैक्सिमम है, V1 मिनिमम है, R2 जो है वो मिनिमम है और जो V2 है वो मैक्सिमम है, ठीक है। तो आप इसको चाहे तो मिनिमम माइनस मैक्सिमम अपान मिनिमम प्लस मैक्सिमम बोल सकते हैं, यहां पर भी आप लिख सकते हैं मिनिमम माइनस मैक्सिमम अपान में ये आपका मिनिमम प्लस में मैक्सिमम, ऐसा आप बोल सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। नहीं, टाइम कहाँ ज्यादा लगता है, टाइम ज्यादा नहीं लगता है, सेम यही तो हमने यहाँ पर बोला है कि सेम टाइम है, जितने टाइम में यहाँ से एक मिनट, जितने टाइम में सेम टाइम में सेम एरिया कवर करता है, जितने टाइम में अगर ये यहाँ से यहाँ गया होगा जो एरिया कवर किया होगा उतने ही टाइम में हम यहाँ भी बात कर रहे हैं सेम टाइम में, तो सेम टाइम में हमने देखा कि उतना ही एरिया कवर करने के लिए भाई एरियल वेलोसिटी में डीए अपॉन डीटी है ना, जितना टाइम लेंगे और एरिया लेंगे वो दोनों अगर सेम आ रहा है तभी तो एरियल वेलोसिटी सेम आएगी। अगर हम दोनों ही केस में टाइम सेम ले रहे हैं लेकिन एरिया अलग अलग आ रहा है, इसका मतलब एरियल वेलोसिटी दोनों में अलग अलग थी। अगर हम टाइम दोनों में जो ले रहे हैं उतना ही एरिया भी हमें मिल रहा है, तो इसका मतलब एरिया वेलोसिटी दोनों केस में सेम थी। तो जितना टाइम हमने यहाँ पर लिया था उतना ही टाइम यहाँ पर लिया हुआ है, ठीक है। दोनों ही केस में इक्वल टाइम हमने जब देखा तो इक्वल टाइम में एरिया भी इक्वल ही मिला, और ये एरिया इक्वल तभी होगा जब यहाँ पर स्पीड कम हो और यहाँ पर स्पीड ज्यादा हो, ठीक है। तो जहां पर डिस्टेंस कम होती वहां पर स्पीड ज्यादा होती है, जहां डिस्टेंस ज्यादा होती वहां पर स्पीड कम होती, टाइम अलग अलग नहीं है, बिल्कुल सेम टाइम में यहां पर इतना दूर गया और यहां पर इतना दूर चला गया, इधर देखा जाए तो ये ज्यादा हो गया इससे, लेकिन एरिया की बात कर रहे हैं ना कि हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं। तो एरिया दोनों में हमने देखा सेम था, तो हमने कहा इसका मतलब कि ठीक है कि इसका जो लीनियर वेलोसिटी है वो भले ही अलग अलग है, यहाँ पर ज्यादा कम है यहाँ पर ज्यादा है लीनियर वेलोसिटी, लेकिन जो एरियल वेलोसिटी एरिया जो स्वीप आउट कर रहा है वो एरिया दोनों में सेम था, यानी एरियल वेलोसिटी बिल्कुल सेम है, ठीक है।
चलिए एक पॉइंट और यहाँ पर है जो कि थ्योरम के रूप में लिखा जाता है, तो ये आपसे सीधा सीधा सवाल पूछ सकते हैं कि टोटल एनर्जी डिपेंड्स ओनली अपॉन द सेमी मेजर एक्सिस। ये जो आपका प्लैनेट इसके चारों ओर घूम रहा है, इसकी हम टोटल एनर्जी जब कैलकुलेट करते हैं तो E इक्वल टू आता है माइनस में के अपॉन में 2 इनटू में ए। यानी जो टोटल एनर्जी है वो सिर्फ और सिर्फ ए, ए मतलब क्या, ए मतलब ये वाली डिस्टेंस सेमी मेजर एक्सिस, ए के ऊपर ये डिपेंड करता है। ये भी एक थ्योरम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, तो इसको आप याद कर सकते हैं। बाकी ये बात आपको पता चल गया कि ये R1 डिस्टेंस हुआ मैक्सिमम वाला, ये मिनिमम वाला R2 डिस्टेंस हुआ, दोनों को जोड़ेंगे और उसका आधा करेंगे तो हमें सेमी मेजर एक्सिस मिलेगा। A इक्वल टू सेमी मेजर एक्सिस A इक्वल टू R1 प्लस R2 अपॉन 2 हो जाएगा। और जो केपलर ने आपका केपलर का आपने तीसरा वाला रूल पढ़ा ना, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू ए क्यू, उस ए की जगह पर आप ये बात लिख सकते हैं R1 प्लस R2 और अपॉन में 2 का होल पावर क्या 3। और यहां से स्क्वायर रूट लेंगे तो टी प्रोपोर्शनल टू आपको मिलेगा। यही सवाल है एक्चुअली, ये R1 प्लस R2 अपॉन 2 और इसका होल पावर कितना 3/2। तो आपसे इस T का इस R1 और R2 पर डिपेंडेंस पूछा जाता है, तो 2 से तो कोई मतलब है नहीं, तो हम लिख सकते हैं T प्रोपोर्शनल टू R1 प्लस R2 का होल पावर कितना 3/2। तो ये रिलेशन बनके निकल के आता है, ठीक है। तो केपलर का जो तीसरा वाला रूल आपने पढ़ा, T प्रोपोर्शनल टू A पावर 3, उस A में हम R1 प्लस R2 अपॉन 2 जब रखेंगे तो ये एक प्रॉपर क्वेश्चन बनता है, जिसको हम अगली क्लास में डिस्कस भी कर लेंगे आपको याद दिलाने के लिए। तो T प्रोपोर्शनल टू R1 प्लस R2 पावर 3/2 बन जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा स्लाइड बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल नया लगा होगा आपको, और इसी के ऊपर सवाल आपके एग्जाम में 2 सवाल मुझे दिखे थे, एक टाइम पीरियड का भी एक सवाल है, 3 सवाल दिखे हैं, वो सारे सवाल हम अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो ठीक है, मतलब उस तरह की चीजें खत्म हो गई, अब हम लोग सैटेलाइट के ऊपर पहुंच चुके हैं, आधे घंटे का भी हमारे पास टाइम है। अगला पॉइंट देखते हैं, ये है हमारा मोशन ऑफ सैटेलाइट, और सैटेलाइट के बारे में 2-3 बातें हैं जो लगभग सबको पता है। देखिए, ये है हमारा अर्थ और ये है सैटेलाइट। अर्थ का रेडियस आर और अर्थ के सरफेस से सैटेलाइट के बीच का डिस्टेंस स्मॉल एच। ये सैटेलाइट जिसका मास है स्मॉल m और ये वी नॉट वेलोसिटी से इस अर्थ के चारों रिवॉल्व कर रहा है। इस वाली वेलोसिटी को, जिस वेलोसिटी से आपका सैटेलाइट अर्थ के चारों रिवॉल्व कर रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो एक तो हमें ऑर्बिटल वेलोसिटी का इसका फार्मूला याद होना चाहिए, और अगर ये फार्मूला कभी भूल जाए तो हमें ये याद रखना चाहिए कि उस सैटेलाइट को घूमने के लिए रिक्वायर्ड सेंट्रीपेटल फोर्स कहां से मिल रहा है, अर्थ और इस सैटेलाइट के बीच में लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स से। ये वाली लाइन अगर याद है तो आप इस फार्मूले को भूल भी जाएं तो आप पहुंच जाएंगे, और वो ये है कि आप देखिए F इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r होता है। r मतलब इन दोनों बॉडीज के सेंटर के बीच का डिस्टेंस, और सेंटर के बीच का डिस्टेंस मतलब यहां से लेकर यहां तक। तो ये हुआ h और ये हुआ r, तो कुल मिलाकर यहां r या re plus h लिख दिया हमने, mv स्क्वायर अपॉन में re plus h इज इक्वल टू ये ग्रेविटेशनल फोर्स gmem अपॉन में re का यहां पर स्क्वायर हो जाएगा, है ना। आप इसको सॉल्व करेंगे, एक इससे ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, एक स्मॉल m से ये स्मॉल m भी कैंसिल हो जाएगा, और अब जो बचा इसका स्क्वायर रूट ले लीजिए, तो v नॉट यहां बचेगा और ये gme अपॉन re plus h होगा, ये भी स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो किसी भी सैटेलाइट का जो अर्थ के चारों रिवॉल्व कर रहा है h हाइट पर, उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी का ये फार्मूला निकल के आया, ठीक है। और ये जो ऑर्बिटल वेलोसिटी आपको दिख रहा है, इस ऑर्बिटल वेलोसिटी के फार्मूले में सिर्फ h ऐसी चीज है जो वेरिएबल है, बाकी सब कुछ कांस्टेंट है, कैपिटल g, मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, ये सब कांस्टेंट है। यानी अगर ये सैटेलाइट यहां की बजाय अगर यहां चली जाए तभी कुछ बदलने वाला है, अदरवाइज किसी भी केस में कुछ नहीं बदलेगा। अगर ये सैटेलाइट यहीं पर रहे, इससे भारी भी सैटेलाइट यहीं पर रहे, तो उसकी जो वेलोसिटी होगी वो आपकी सेम आएगी, यानी ये सिर्फ हाइट पर डिपेंड कर रहा है। और यहां से आप देखिए, अगर ये h की वैल्यू, मतलब ये जो आपका सैटेलाइट है वो अर्थ के सरफेस के काफी नजदीक हो, काफी नजदीक होने का मतलब ये जो h वाली वैल्यू है वो इस रेडियस के रिस्पेक्ट में बहुत ही कम, है ना, इस रेडियस के रिस्पेक्ट में अगर इसकी ये h की वैल्यू बहुत ही कम है, मतलब आपका जो सैटेलाइट है वो अर्थ के सरफेस के काफी नजदीक है। और अगर सैटेलाइट जब अर्थ के सरफेस के काफी नजदीक होगा तो हम इस h वाली वैल्यू को अगर इग्नोर कर दें तो g की वैल्यू, me की वैल्यू और re की वैल्यू हमें पता है, g की वैल्यू पता है, मास ऑफ अर्थ पता है, रेडियस ऑफ अर्थ पता है, इन सारी वैल्यूज को रख करके कैलकुलेट करते हैं। पहली बात तो अगर आप इसमें re और re से मल्टीप्लाई करें तो gme अपॉन re स्क्वायर को हम स्मॉल g बोलते हैं और ये re, इस तरीके से फार्मूला आपका कन्वर्ट हो जाएगा। ऑर्बिटल वेलोसिटी का ये जो फार्मूला है आप इसको इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, जी आर ई अंडर रूट के अंदर, और इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू रखकर के सॉल्व करेंगे तो लगभग आएगा 7.9 या 8 किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये एक सवाल याद कर लीजिए, अर्थ के सरफेस के नजदीक रिवॉल्व करने वाले सैटेलाइट की जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है वो लगभग 8 किलोमीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है। और ऑर्बिटल वेलोसिटी का ये फार्मूला होता है अंडर रूट जी आर ई, अंडर रूट जी आर ई, ठीक। दूसरा कि ये जो आपका सैटेलाइट है वो पूरा एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगाएगा, अगर आपको वो टाइम कैलकुलेट करना है तो टाइम का फार्मूला है 2πr अपॉन में v, और v का मतलब है ऑर्बिटल वेलोसिटी, है ना भाई, जितना डिस्टेंस, ये पूरा डिस्टेंस कितना 2πr के बराबर, और जो स्पीड है उसकी वो है v नॉट। तो एक चक्कर में जो टाइम लगेगा तो टाइम बराबर क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन में वेलोसिटी, टोटल डिस्टेंस एक चक्कर का लिखेंगे 2πr अपॉन में ऑर्बिटल वेलोसिटी v नॉट, और 2π में स्मॉल r जो है वो स्मॉल r है इसके और इसके बीच का ये डिस्टेंस यानी इसका रेडियस, तो re plus h रेडियस ऑफ अर्थ और ये हाइट स्मॉल r की जगह पर लिख दिया हमने, और v नॉट की वैल्यू को यहां पर रख देंगे तो हमें t के लिए फार्मूला मिल जाएगा। v नॉट की जो वैल्यू है इसको अगर हम वहां पर रख दें तो हमें इसके लिए फार्मूला मिल जाएगा t = 2π
अंडरवुड आर ई प्लस एच का होल पावर 3 और अपान में जी एम ई। एक और बात यहां से आप देखिएगा, आर ई प्लस एच जिसको हम स्मॉल आर की जगह पर लिखे थे, यहां से हम ये फार्मूला बना सकते हैं टी प्रोपोर्शनल टू ये अंडरवुड स्मॉल आर के पावर 3, यानी यहां से हो जाएगा टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर पावर 3। ठीक है, ये बिल्कुल वैसा ही जैसे आपने केपलर्स लॉ प्लैनेटरी मोशन में देखा था कि टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर पावर 3 होता है, वही सेम चीज हमने यहां पर सैटेलाइट लिंक का ला। ठीक है, उन्होंने क्या बोला था, सन और सन के चारों ओर घूमने वाले प्लैनेट के लिए, यहां पर हमने प्लैनेट के चारों ओर घूमने वाले सैटेलाइट के लिए देखा, वैसा ही रिलेशन बन रहा है टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर पावर 3। लेकिन ये जो आर है वो है सैटेलाइट और अर्थ के बीच का डिस्टेंस, और वो जो ए था वो था इलिप्टिकल पाथ का सेमी मेजर एक्सिस, अगर सर्कुलर पाथ है तो उसका रेडियस लेंगे। ठीक है, बाकी यहां पर फिर वही बात है कि अगर आपका सैटेलाइट अर्थ के सर्फेस के काफी नजदीक है, यानी स्मॉल एच काफी ज्यादा छोटा है रेडियस ऑफ अर्थ से, तो ऐसे में हम इस स्मॉल एच को इग्नोर कर सकते हैं। अब इसमें सारी की सारी जो वैल्यूज है वो नोन वैल्यूज हैं, ये पूरा हम कैलकुलेट करते हैं तो ये निकल के आता है 84.6 मिनट। यानी अर्थ के सरफेस के नजदीक रिवॉल्व करने वाले सैटेलाइट का जो टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन है वो है 84.6 मिनट, और जो उसका स्पीड है वो है 8 किलोमीटर पर सेकेंड, लेकिन कंडीशन है वो अर्थ के सर्फेस के काफी नजदीक रहेगा तब। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ये, अगर आप इसको इस पूरे फार्मूले को डेंसिटी के टर्म में कन्वर्ट करेंगे इस पूरे फार्मूले को, तो ये आएगा टी इक्वल टू अंडर रूट 3 पाई अपान में रो जी, है ना, अगर याद हो जाए तो अच्छा है, नहीं तो आप कभी भी इसको कन्वर्ट करेंगे डेंसिटी इक्वल टू मास अपान वॉल्यूम करके इसको सॉल्व करेंगे तो आप यहां तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। तो अगर कोई सैटेलाइट ऐसा हो जिसकी जिसकी अर्थ के चारों ओर एंगुलर वेलोसिटी वही हो जो कि अर्थ की है, मतलब अर्थ जिस वेलोसिटी से रोटेट हो रहा है, घूम रहा है, रिवॉल्व हो रहा है, उसी वेलोसिटी से अगर आपका ये सैटेलाइट भी अर्थ के चारों ओर घूमने लगे तो अर्थ के किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में ये सैटेलाइट रेस्ट में दिखाई देगा, मतलब जैसे ये घूम रहा है उसी स्पीड से ये भी घूमे तो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में सैटेलाइट हमेशा सामने रहेगा, रेस्ट में दिखेगा। इसी को बोलते हैं जियो, मतलब विद रिस्पेक्ट टू अर्थ स्टेशनरी सैटेलाइट। जैसे ये आपका अर्थ हुआ, ये हुआ इक्वेटर, है ना, ये बात ध्यान रखिएगा कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो होते हैं वो हमेशा इक्वेटर के ऊपर होते हैं, किसी भी दूसरी लोकेशन के ऊपर जो सैटेलाइट होता है वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट नहीं हो सकता। अर्थ के शेप की वजह से आपको यह ध्यान रखना है कि अगर इक्वेटर के सामने कोई सैटेलाइट है और वो उसी एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है जिस वेलोसिटी से आपका अर्थ घूम रहा है, तो ऐसे में इसमें किसी भी जगह से आप इसको देखेंगे तो आपको ये हमेशा आपके सामने दिखाई देगा, रेस्ट में दिखाई देगा। इसको हम बोलते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। ठीक है, तो सैटेलाइट की अगर हम बात करें, अगर ये जियो स्टेशनरी सैटेलाइट है इसका मतलब ये अर्थ के चारों ओर एक चक्कर लगाने में उतना ही टाइम लेता है जितना ये अर्थ खुद अपने चारों ओर घूमने में एक चक्कर लगाता है, और अर्थ अपने एक्सिस पर घूमता है एक चक्कर 24 घंटे के अंदर। इसका मतलब जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के लिए जो टाइम पीरियड होगा वो 24 घंटे होगा। ठीक है, और ये टी की वैल्यू अगर हम 24 घंटे यहां पर रख करके ये पूरा इक्वेशन सॉल्व करें तो जो एच की वैल्यू निकल के आती है, एच की वैल्यू, एच मतलब क्या, सैटेलाइट की अर्थ के सरफेस से डिस्टेंस, और वो निकल के आती है लगभग 36,000 किलोमीटर, कुछ 35,600 या 700 कुछ इतना आता है, उसको हम लोग बोलते हैं 36,000 किलोमीटर। तो ये एक सवाल है कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का टाइम पीरियड क्या होता है, 24 घंटे, किस जगह पर होती है, तो हमेशा इक्वेटर के ऊपर रहेगी तभी वो रेस्ट में दिखाई देगी अर्थ के शेप की वजह से। तीसरा कि वो अर्थ के सरफेस से कितनी हाइट पर होती है, तो 36,000 किलोमीटर पर। और जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का अर्थ के सेंटर से क्या डिस्टेंस होता है, देखिए यहां से ये हाइट को आपने बता दिया 36,000 किलोमीटर, लेकिन अगर सेंटर से डिस्टेंस बताना होगा तो आपको रेडियस को भी जोड़ना पड़ेगा, और अर्थ का जो रेडियस है वो आपको पता है लगभग 6400 किलोमीटर होता है, 63,700 करके, तो 6400 किलोमीटर जो अर्थ का रेडियस है वो इस 36,000 में आप जोड़ देंगे तो मोटा मोटा आप इसको बोलेंगे 42,000 किलोमीटर। तो अगर आप यहां से डिस्टेंस लेते हैं तो 42,000 किलोमीटर पर होगा, और यहां से लेते हैं तो लगभग 36,000 किलोमीटर पर होगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और इक्वेटर वाली बात भी याद रखनी है कि हमेशा इक्वेटर के सामने होता है, किसी भी दूसरी जगह पर अगर आप सैटेलाइट को घुमाएंगे तो ये इस अर्थ पर बाकी लोगों के लिए हमेशा रेस्ट में नहीं होगा, है ना, लेकिन आप इक्वेटर के सामने अगर इसको घुमाते हैं तो इस पूरे अर्थ पर जो भी लोग हैं उन सब के रेस्पेक्ट में ये रेस्ट में रहेगा, और इसी को हम लोग जियो स्टेशनरी बोलते हैं। ठीक है, तो इक्वेटर वाली पॉइंट भी आप ध्यान रखेंगे, बाकी ये 3 पॉइंट आप याद कर लीजिए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के बारे में। ठीक है, चलिए अब कुछ फार्मूले हैं सैटेलाइट की एनर्जी वगैरह के। चलिए सैटेलाइट की एनर्जी की बात कर रहे हैं, और ये फार्मूला बहुत ही कंफ्यूज करता है, तो याद करने का थोड़ा तरीका भी देख लीजिए। अगर हम सैटेलाइट की एनर्जी की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी भी होती है उसके पास, पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। काइनेटिक एनर्जी क्यों होती है सैटेलाइट के पास, क्योंकि सैटेलाइट किसी वेलोसिटी से घूम रहा है, तो वेलोसिटी है तो काइनेटिक एनर्जी आएगी। पोटेंशियल एनर्जी क्यों है, क्योंकि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ये ऐसे नहीं है, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में यहां पर जो इसके बीच में फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, उसके अगेंस्ट ये उस सिचुएशन में मेंटेन बना हुआ है। और आपको पता है किसी फोर्स के अगेंस्ट अगर कोई पार्टिकल कोई भी ऑब्जेक्ट किसी सिचुएशन में है
उस टाइम जो उसके पास एनर्जी होती है उस पोजीशन की वजह से उसी को पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। तो यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है लेकिन फिर भी आपका सेटेलाइट इतनी हाइट पर बना हुआ है तो इसके अगेंस्ट जो इसके अंदर यहाँ पर एक्स्ट्रा एनर्जी है उसको लोग पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इस सेटेलाइट के पास काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है। दोनों के अगर फार्मूले की बात करें तो काइनेटिक एनर्जी हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, और इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी का फार्मूला आपने पीछे देखा अंडररूट जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच, तो यही जो अंडररूट वाली वैल्यू थी इसी का यहाँ स्क्वायर हुआ है, तो ये रूट हट गया और ये 1/2 और ये स्मॉल एम भी यहाँ पर आ गया, तो 1/2 जी एम ई एम अपॉन आर ई प्लस एच, ये हो गया सेटेलाइट की काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी की अगर बात करें जो कि अर्थ के सर्फेस से एच हाइट पर है, मतलब इन्फिनिटी से यहाँ तक इसको लाने में जो वर्क डन हुआ वही वर्क डन हमारी पोटेंशियल एनर्जी है। लेकिन आपको पता वर्क डन तो हुआ नहीं, हमने तो किया नहीं, खुद कंजर्वेटिव फोर्स ने किया है, इस वजह से ये माइनस के साथ आता है जिसको हम कहते हैं वर्क डन नहीं है, वर्क ऑब्टेंड है, और ये हो जाएगा माइनस में जी एम ई एम अपान में आर ई प्लस एच, बिल्कुल ये वाला टर्म यहाँ लिखा जाएगा, यहाँ 1/2 था लेकिन यहाँ माइनस में 1 है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी ये हो गया, पोटेंशियल एनर्जी ये हो गया। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो हमें इस सेटेलाइट की टोटल एनर्जी मिल जाएगी, और टोटल एनर्जी में आप देखिए जब इसको आप जोड़ेंगे और जी एम ई एम अपान आर ई प्लस एच को कॉमन लेंगे तो ये 1/2 प्लस में और ये 1 माइनस में, तो इसको और इसको सॉल्व करने पर माइनस में 1/2 आ जाएगा, तो माइनस में 1/2 जी एम ई एम अपान में आर ई हो गया। यानी सैटेलाइट जो अर्थ के चारों रिवॉल्व कर रहा है उसकी टोटल एनर्जी की बात करें तो वो निगेटिव है, और टोटल एनर्जी निगेटिव होने का मतलब आप समझिए, टोटल एनर्जी निगेटिव होने का मतलब ये, जैसे आपने देखा था कि न्यूक्लियस के चारों रिवॉल्व करने वाले इलेक्ट्रॉन की जब आप टोटल एनर्जी निकालते हैं तो उसकी भी टोटल एनर्जी निकल के आती है। अगर आप हाइड्रोजन के केस में याद करें, बहुत ही आसान सा फार्मूला था हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए, -13.6 Z² / n² किसी भी हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए ये एनर्जी का फार्मूला था बोहर की थ्योरी से, यहां पर माइनस आया हुआ था। ये माइनस ये बताता है कि जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है वो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बंधा हुआ है, ये बाउंडेड है, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के फील्ड से बाउंडेड है, ये इस फील्ड को छोड़कर के भाग नहीं सकता, इस माइनस का ये मतलब था। और बिल्कुल उसी के इक्विवेलेंट यहां पर बात है कि जो सैटेलाइट है आपने इसकी जब टोटल एनर्जी निकाली तो टोटल एनर्जी माइनस में आया, इसका मतलब कि आपका सैटेलाइट अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में बाउंडेड है, ये सैटेलाइट इस अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़कर नहीं जा सकता, माइनस का ये मतलब है। ठीक है, और छोड़कर अगर जाना है इसको तो इसकी एनर्जी कम से कम कितनी होनी चाहिए, कम से कम तो जीरो हो जाए क्योंकि पॉजिटिव हो जाए, है ना। अगर इसकी एनर्जी पॉजिटिव हो जाए तो पॉजिटिव में अगर स्टार्टिंग करें जीरो से तो कम से कम अगर इसकी एनर्जी जीरो हो जाए तब ये इस ऑर्बिट को छोड़कर के यहां से जा सकता है, अगर जीरो से ज्यादा कोई पॉजिटिव वैल्यू है तब भी ये जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन कम से कम तो जीरो एनर्जी होनी चाहिए, है ना। तो अभी तो इसकी एनर्जी निगेटिव है, इसका मतलब ये इस ग्रेविटेशनल फील्ड में बाउंडेड है, इसको अगर यहां से जाना है फ्री होकर के तो इतनी ही एनर्जी इसको प्लस में देनी होगी तब ये यहां से जा सकता है, इस ग्रेविटेशनल फील्ड से मुक्त हो सकता है। ठीक है, यानी ये इसको इस पूरे बाउंडेशन से फ्री कराने के लिए कितनी एनर्जी देनी होगी, इसी एनर्जी का पॉजिटिव हिस्सा देना होगा, यानी इतनी एनर्जी प्रोवाइड करेगी प्लस में 1/2 जी एम ई एम अपान आर ई, और अगर आप इतनी एनर्जी देते हैं तो ये इस बाउंडेशन से फ्री हो जाएगा, इस एनर्जी को हम बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। बाइंडिंग एनर्जी का मतलब ये नहीं कि जितनी एनर्जी से बाउंडेड है, बाइंडिंग एनर्जी का मतलब कि जितनी एनर्जी देने से वो बाउंडेशन से फ्री हो जाएगा वो आपकी बाइंडिंग एनर्जी बाउंडेड है माइनस में 1/2 जी एम ई एम अपान में आर ई, तो जितना इसमें माइनस में है इतना ही दे देंगे, टोटल जोड़ेंगे तो अब टोटल जो एनर्जी इसकी आएगी अब वो जीरो हो जाएगी, और जीरो एनर्जी होती है इन्फिनिटी पे, जीरो पोटेंशियल एनर्जी होती है इन्फिनिटी पर, तो ये आपका इन्फिनिटी पर जा सकता है, मतलब कहीं भी जा सकता है, फ्री है। ठीक है, तो ये बाइंडिंग एनर्जी है सैटेलाइट के लिए। हाँ, उधार वाली बात वही है, उधार वाला केस एग्जांपल आप लोगों को पता है कि ये माइनस का मतलब ये है कि इस इलेक्ट्रॉन ने या इस सैटेलाइट ने इस मालिक से, इस अर्थ से या इस न्यूक्लियस से उधार लिया हुआ है, माइनस का मतलब कर्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये कर्ज ले लिया है तो जा नहीं सकता, इसी मालिक के चक्कर लगाने पड़ेंगे। अगर इसको यहां से भागना है, आजाद होना है, कहीं और जाके काम करना है तो पहले मालिक का कर्ज उतारना पड़ेगा, जितना लिया है माइनस में उतना देना पड़ेगा, उतना उसको, और देगा कैसे, जब इसको कहीं और से मिलेगा तब ना, तो बाहर से जितना इसके पास कर्ज है अगर बाहर से कोई इसका दोस्त उसको उतना ही प्रोवाइड कर दे तो टोटल इसके पास एनर्जी हो जाएगी कितनी, तो टोटल पैसा हो जाएगा जीरो या टोटल कर्ज हो जाएगा जीरो, और फिर अब ये कहीं भी जा सकता है, वही सिंपल सी बात है। ठीक है, चलिए एक दो फार्मूले यहां पर देख लीजिए। इसके वेलोसिटी क्या है कि कोई भी पार्टिकल जिसको हम लोग अर्थ से प्रोजेक्ट कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बिल्कुल बाहर भाग जाए, दोबारा कभी भी वापस ना आए, तो जिस वेलोसिटी से हमें इसको फेंकना पड़ेगा कि वापस ना लौट के आए, उस वेलोसिटी को हम लोग बोलेंगे क्या, एस्केप वेलोसिटी। और वो एस्केप वेलोसिटी देने से जो पार्टिकल को आपने एनर्जी दिया है उसको हम लोग बोलेंगे एस्केप एनर्जी। जैसे अगर आप कह रहे हैं कि आपने किसी पार्टिकल को वीई वेलोसिटी से फेंका और ये एस्केप कर गया, भाग गया, इसका मतलब आपने इस पार्टिकल को जो एनर्जी दिया, काइनेटिक एनर्जी दिया, वो एनर्जी को क्या बोलेंगे, एस्केप एनर्जी। तो जो आपने इस पार्टिकल को काइनेटिक एनर्जी दी वो एस्केप एनर्जी, और उस एनर्जी को प्रोवाइड करने के लिए जो आपने वेलोसिटी एस्केप बनाई थी वो वेलोसिटी को बोलेंगे एस्केप वेलोसिटी। तो अर्थ के केस में या किसी भी केस में एस्केप वेलोसिटी का ये हुआ एक तरह से जनरल फार्मूला।
अगर बात अर्थ की हो रही है तो यहाँ पर अर्थ के लिए जी की वैल्यू रखेंगे और अर्थ का रेडियस रखेंगे। अगर बात मून की हो रही है तो यहाँ मून के लिए जी की वैल्यू और मून का रेडियस रखेंगे, ठीक है। और जी की वैल्यू और आर ई की वैल्यू अर्थ के केस में सॉल्व करते हैं तो ये निकल के आता है लगभग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। यानी अगर आपको अर्थ से किसी बॉडी को ऐसे फेंकना है कि वो दोबारा लौट करके अर्थ पर ना आए, इस ग्रेविटेशन फील्ड से बाहर निकल जाए, तो कम से कम आपको 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंकना पड़ेगा। इसी को हम इसके वेलोसिटी या पलायन वेग बोलते हैं, ठीक है। किसी दूसरे प्लैनेट के लिए अगर बात करनी है तो आपको वहां की जी और वहां की रेडियस की बात करनी होगी, तो फिर आप वहां का भी निकाल सकते हैं, ठीक है। यहां से एक सवाल आता है कि मून के ऊपर एटमॉस्फेयर क्यों नहीं है, तो आपको पता है मून के लिए जब हम इसके वेलोसिटी कैलकुलेट करके निकालते हैं तो हमें पता चलता है कि वहां पर जो इसके वेलोसिटी है उसकी वैल्यू काफी कम है, कुछ 2 या 2.5 किलोमीटर पर सेकंड के आसपास। और वहां गैसेस का जो टेम्परेचर की वजह से काइनेटिक एनर्जी है, थर्मल काइनेटिक एनर्जी, वो वहां के इसके वेलोसिटी से ज्यादा थी, इसलिए गैसेस एस्केप कर गई, भाग गई। जबकि अर्थ के केस में वो जो थर्मल काइनेटिक एनर्जी है गैस के मॉलिक्यूल की, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन जो भी है, जितनी भी गैसेस हैं, इनकी जो अपनी थर्मल एनर्जी है वो वही 2.5 या 2.6 किलोमीटर पर सेकंड है, जबकि यहां से भागने के लिए इतना चाहिए। इस वजह से गैसेस नहीं भाग पाती हैं और अर्थ पर एटमॉस्फेयर पाया जाता है, ठीक है। तो कारण आप याद रखिएगा कि अर्थ पर एटमॉस्फेयर के लिए कौन जिम्मेदार है, यहां का ग्रेविटेशन जिम्मेदार है। ग्रेविटेशन की वजह से जो ग्रेविटेशन पुल है उसकी वजह से जो गैस के मॉलिक्यूल हैं वो नहीं भाग पा रहे, क्योंकि उसके लिए बहुत ज्यादा हाई काइनेटिक एनर्जी या बहुत ज्यादा इसके वेलोसिटी चाहिए, तभी वो भाग सकती है, जो कि पॉसिबल नहीं हो रही, ठीक है। अच्छा, इसके वेलोसिटी और ऑर्बिटल वेलोसिटी में अगर हमें रिलेशन बनाना हो तो आपने देखा किसी सैटेलाइट की ऑर्बिटल वेलोसिटी का फार्मूला पिछले स्लाइड में वी ऑर्बिटल इक्वल टू अंडर रूट जी आर ई था, है ना। और भागने के लिए जो चाहिए वो अंडर रूट जी आर ई चाहिए, तो अंडर रूट 2 जी आर ई में अगर अंडर रूट 2 को बाहर निकालें तो ये जो अंडर रूट जी आर ई है उसको हम ऑर्बिटल वेलोसिटी कह सकते हैं। यानी अगर किसी सैटेलाइट को स्किप करना है तो उसको अपने ऑर्बिटल वेलोसिटी का लगभग डेढ़ गुना, 1.41 है ना, 414, तो लगभग डेढ़ गुना अगर उसकी वेलोसिटी हो जाए तब वो स्किप कर जाएगा। तो ये ऑर्बिटल वेलोसिटी और एस्केप वेलोसिटी के बीच का रिलेशन हो गया, और ये आपकी हो गई काइनेटिक एनर्जी, एस्केप काइनेटिक एनर्जी, जिसके फार्मूले में आपको एस्केप वेलोसिटी यूज करना है, ठीक है। दो और फार्मूले देख लीजिए। मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, अगर अर्थ के सरफेस से हम हाइट किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर ऐसे फेंकते हैं तो वो कितनी मैक्सिमम हाइट तक जा सकता है, वो हाइट का ये फार्मूला है, एच इक्वल टू वी स्क्वायर आर ई अपान में 2 जी आर ई माइनस में वी ई स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस में वी ई स्क्वायर, यहां पर भी वी ई होगा, तो वी ई स्क्वायर अपान वी स्क्वायर अपान में आर ई अपान में, एक सेकेंड, v square r e अपान में 2 g r e और माइनस में v e स्क्वायर, तो v square r e अपान में 2 g r e माइनस में v स्क्वायर। यानी कि जो पार्टिकल को आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसकी वेलोसिटी आपको पता हो तो आप बता सकते हैं कि वो मैक्सिमम कितनी हाइट तक जाएगा अर्थ के सरफेस से, तो v square r e अपान में 2 g r e माइनस में v स्क्वायर, ठीक है। और नेक्स्ट है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। मान लीजिए कि अर्थ के सरफेस से किसी हाइट पर एक पार्टिकल था और इसको आपने यहां से उठा करके यहां तक पहुंचा दिया, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज हो गया, और जो आपने यहां से यहां ले गए हैं वो आपने h हाइट का डिफरेंस क्रिएट किया है, तो अगर h हाइट पर इस एक पार्टिकल को कहीं से भी h हाइट पर ले जाया जाए तो उसकी पोटेंशियल में कितना चेंज आएगा, डेल्टा u, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू mg h अपान में 1 प्लस h अपान re। ये फार्मूला होता है अगर किसी पार्टिकल को अपनी पोजीशन से h हाइट तक ऊपर ले जाया जाए तो यहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी थी और यहां जो पोटेंशियल एनर्जी थी इसमें कितने का डिफरेंस आ गया, वो डिफरेंस हो जाएगा mg h अपान 1 प्लस h अपान re, ठीक है। ये वाले फार्मूले और ये वाले फार्मूले पर भी न्यूमेरिकल्स आते हैं, अगली क्लास में हम इनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो वेरिएशन इन जी की अगर हम बात करें, मतलब अर्थ के सरफेस से हम ऊपर जा रहे हैं तो जी की वैल्यू में क्या चेंज हो रहा है, अंदर जा रहे हैं तो जी की वैल्यू में क्या चेंज हो रहा है, अलग अलग लोकेशंस पर जा रहे हैं तो जी की वैल्यू में क्या चेंज हो रहा है, अर्थ के रोटेशन की वजह से जी की वैल्यू में क्या चेंज आ रहा है, ये हमें देखना है। तो हाइट की वजह से जो जी की वैल्यू में चेंज आता है उसका ये फार्मूला आप याद कर लीजिए, जी डैश इक्वल टू जी अपान 1 प्लस एच अपान आर ई का होल स्क्वायर। हाइट की वजह से अर्थ के सरफेस से अगर एच हाइट पर जाएं तो वहां पर एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा सरफेस के रिस्पेक्ट में, उसका ये रिलेशन है। और आप देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे आर ई प्लस एच और ये आर ई का स्क्वायर ऊपर चला जाएगा तो आर ई स्क्वायर अपान में आर ई प्लस एच का स्क्वायर, और आर ई प्लस एच क्या हुआ, ये हुआ अर्थ के सेंटर से जिस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं उस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, ये हुआ आपका एच और ये हुआ आपका आर, ये दोनों मिलाकर के हो जाएगा आर ई प्लस एच, है ना। तो ये जो आर ई प्लस एच है वो स्मॉल आर के इक्वल है, मतलब अर्थ के सेंटर से इस पर्टिकुलर पॉइंट का डिस्टेंस, और ये पर्टिकुलर पॉइंट का डिस्टेंस तो बदलता रहेगा, यहाँ 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 अलग अलग पॉइंट पर जाएंगे तो स्मॉल आर की वैल्यू बदलती जाएगी, है ना। अगर एच की वैल्यू बदलेगी तो स्मॉल आर की वैल्यू भी बदलेगी। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये आ रहा है कि ये जो आर ई प्लस एच है वो स्मॉल आर उसको हम दिखा रहे हैं, और ये जी फिक्स है और ये आर ई फिक्स है, लेकिन ये स्मॉल आर तो नहीं फिक्स है ना, अलग अलग हाइट पर जाएंगे तो स्मॉल आर की अलग अलग वैल्यू हो जाएगी इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। तो कुल मिलाकर के हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि जी डैश प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर, जी डैश प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर, यानी अर्थ के सरफेस से ऊपर जो एक्सेलरेशन का वेरिएशन होता है वो इस सेंटर से उस पॉइंट के डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली
प्रोपोर्शनल होता है, ये रिलेशन आपको याद रखना है अर्थ के सरफेस के बाहर के लिए जी की वैल्यू का वेरिएशन। दूसरा, अच्छा इसी में एक बात और, अगर एच की वैल्यू आर ई से बहुत ही कम है तो ऐसे में हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं और बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करते हैं, ये जो रिलेशन है वो ऐसे रिलेशन में कन्वर्ट हो जाता है, जी डैश इक्वल टू जी इंटू वन माइनस टू एच अपान में आर ई हो जाता है। लेकिन ये तब होता है जब ये वाली कंडीशन होल्ड करती है तब, अदरवाइज इन जनरल ये सही है। ठीक है, हाइट की बात हो गई, अब डेप्थ की बात कर लेते हैं। तो अर्थ के सरफेस के अगर हम अंदर जाएं, ये देखिए अर्थ का सरफेस है और यहां से हम कुछ अंदर गए, कितना अंदर गए मान लीजिए, ये हो गया हमारा h, पूरा डिस्टेंस यहां से सेंटर का कितना था re, तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है अब सेंटर से कितनी डिस्टेंस पर है, तो पूरे h, पूरे re में से h को माइनस कर देंगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगा पॉइंट का, और ये हो जाएगा कितना re माइनस में h, इस पूरे re में से इतने h को ऊपर वाले को माइनस कर देंगे तो हमें इस सेंटर से इस पॉइंट का डिस्टेंस मिल जाएगा re माइनस h, तो उसी को हम स्मॉल r बोल रहे हैं, re माइनस h को, ठीक है, सेंटर से पॉइंट के डिस्टेंस को। तो देखिए जी डैश इक्वल टू जी वन माइनस एच अपान आर ई, वो इस केस में फार्मूला होता है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे करके सॉल्व करेंगे तो आर ई माइनस एच अपान आर ई आएगा, और इसको हम स्मॉल आर बोल देंगे तो जी अपान आर ई जो कि कांस्टेंट है तो जी डैश प्रोपोर्शनल टू आर हो जाएगा, यानी ये गड़बड़ कुछ लिख दिया, जी डैश प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा आर हो जाएगा, यानी अगर आप अर्थ के सेंटर से जो पॉइंट लेते हैं यहां पर लेते हैं और यहां लेते हैं और दूर लेते हैं, जैसे जैसे अर्थ के सेंटर से बाहर की तरफ जाएंगे जी की वैल्यू आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, मतलब जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा सेंटर से पॉइंट का वैसे वैसे जी की वैल्यू बढ़ेगी, मतलब सेंटर से सरफेस की तरफ जाने पर जी की वैल्यू बढ़ती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, लेकिन जैसे ही सरफेस पर पहुंच गए अब इसके बाद जब बाहर जाएंगे तो इस हिसाब से ये डिक्रीज होने लगी, तो सेंटर से सरफेस तक जाने पर इस तरीके से इंक्रीज हो रही थी और बाहर जाने पर इस तरीके से जी की वैल्यू डिक्रीज होने लगती है सरफेस के बाहर, और सेंटर पर कितनी होगी तो अगर एग्जैक्ट सेंटर पर पता करना है तो सेंटर पर मतलब कि जो आर वाली वैल्यू है वो जीरो हो जाएगी, भाई सेंटर से मेजर कर रहे थे सेंटर पर ही आ गए तो कोई डिस्टेंस ही नहीं मिला, स्मॉल आर यानी आर ई माइनस एच जो था उसकी जगह पर हम जीरो लिख सकते हैं, जैसे ही आप यहां पर जीरो या यहां पर जीरो रखेंगे जी डैश की वैल्यू जीरो आ जाएगी, सेंटर पर जी की वैल्यू जीरो है, सेंटर से सरफेस की तरफ जाने पर जी प्रोपोर्शनल टू आर है, बढ़ रहा है, बढ़ते बढ़ते यहां पर जो भी बढ़ना था सरफेस पर हो गया मैक्सिमम। अगर कोई आपसे पूछे कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की मैक्सिमम वैल्यू कहां पर होती है, सेंटर पर, सरफेस पर या बाहर के किसी पॉइंट पर, तो आप बोलिएगा सरफेस पर मैक्सिमम होती है, और वही मैक्सिमम वैल्यू को हम लोग यहां स्मॉल जी बोलते हैं 9.8, ये मैक्सिमम वैल्यू है क्योंकि उसके अंदर आएंगे तब भी घटेगा और बाहर जाएंगे तब भी घटेगा, तो सेंटर से सरफेस की तरफ जाने पर बढ़ता है यानी सरफेस से सेंटर की तरफ जाने पर घटता भी है, सेंटर पर जीरो होता था यहां जीरो हुआ, बढ़ते बढ़ते यहां मैक्सिमम हुआ, अब इसके बाद बाहर जाने पर इस तरीके से घटने लगेगा। ठीक है, इसके अलावा अर्थ के अगर रोटेशन की बात करें या फिर किसी लैटिट्यूड पर बात करें, अक्षांश पर बात करें, जैसे ये मान लीजिए आपका हुआ अर्थ और ये हुआ आपका इक्वेटर और ये हुआ अर्थ का सेंटर, तो सेंटर ये हुआ आपका ये इक्वेटर पर ये हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये जो पॉइंट पड़ेगा ये जो जगह पड़ेगी इसका ये जो एंगल बनेगा इसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करें, इस वाले एंगल को हम बोलते हैं लैटिट्यूड। ठीक है, यहां अल्टीट्यूड लिखा यहां लैटिट्यूड, लैटिट्यूड तो आप देखिए अगर हम इसी इक्वेटर का कोई पॉइंट लें तो कोई एंगल नहीं बनेगा हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ, जीरो हो जाएगा, तो इक्वेटर का कोई भी पॉइंट लें तो लैम्डा जीरो हो जाएगा, और यहां नॉर्थ पोल पर या यहां साउथ पोल पर जाएं तो ये एंगल 90 डिग्री या ये एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, तो पोल्स वाले पॉइंट के लिए एंगल ऑफ लैटिट्यूड 90 डिग्री और इक्वेटर के लिए लैम्डा इज इक्वल टू जीरो, और फार्मूला देखिए जी डैश इक्वल टू जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा, आपको यहां इस फार्मूले से ये पता चल रहा है कि ये वाले टर्म की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, ये वाले टर्म की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी जी में से आप उसको जब माइनस करेंगे तो जी डैश उतना कम हो जाएगा, तो ये जितना ज्यादा हुआ ये उतना कम हो जाएगा, और ये जितना कम होगा किसी चीज में से कम घटाएंगे तो ज्यादा ज्यादा बचेगा ये उतना ज्यादा हो जाएगा, और आप देखिए इक्वेटर के लिए लैम्डा की वैल्यू जीरो, तो लैम्डा की वैल्यू जीरो रखेंगे तो कॉस जीरो की वैल्यू वन जो कि मैक्सिमम होती है ये हो गई मैक्सिमम, ऐसे केस में जी हो जाएगा मिनिमम, यानी इक्वेटर के किसी भी पॉइंट के लिए जी की वैल्यू सबसे कम होती है, पोल्स पर जब जाएंगे ध्रुवों पर जाएंगे नॉर्थ पोल या साउथ पोल पर तो लैम्डा की वैल्यू 90, यहां 90 रखेंगे कॉस 90 की वैल्यू जीरो जो कि इस पूरे पार्ट को जीरो कर देगा, इसकी मिनिमम वैल्यू हो गई, और किसी चीज में से जीरो घटाएंगे तो यही आएगा जो कि यानी कि जो जी डैश की वैल्यू है वो मैक्सिमम हो जाएगी जी के बराबर, कहां पर पोल्स पर, तो ध्रुवों पर यानी पोल्स पर जी की वैल्यू मैक्सिमम होती है, इक्वेटर पर मिनिमम होती है, सेंटर पर जीरो होती है, सेंटर से सरफेस पर जाते हुए बढ़ती है जी प्रोपोर्शनल टू आर, और उससे बाहर जाने पर घटती है जी प्रोपोर्शनल टू 1/r². और इन सारी बातों को अगर हम एक ग्राफ में रिप्रेजेंट करें तो ये हमारा अर्थ हुआ, ये हमारा अर्थ हुआ, ये हुआ अर्थ का सेंटर, सेंटर से बाहर जाने पर जी की वैल्यू पर क्या प्रभाव पड़ता है वो आपको ग्राफ से दिखा रहे हैं, ग्रीन वाली लाइन जो है, ये जो ग्रीन वाली लाइन है ये देखिए ये सेंटर वाले पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहां से यहां मतलब सेंटर से बाहर जाने पर जी की वैल्यू का ग्राफ ये जी प्रोपोर्शनल टू आर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो स्ट्रेट लाइन, जैसे ही सरफेस पर आप पहुंच गए तो ये वैल्यू आप देखिए मैक्सिमम है, अब बाहर जब निकलेंगे यानी अर्थ के सरफेस से बाहर जा रहे हैं तो ये ऐसा ग्राफ मिला जी प्रोपोर्शनल टू 1/r², मतलब कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज हो रही है वो भी स्क्वायर के अकॉर्डिंग, और यहां पर भी जो चीज आपने इधर देखा बिल्कुल सेम चीज आप सेंटर से सरफेस पर इधर दिखा दीजिए फिर बाहर की तरफ इधर दिखा दीजिए, तो ये ग्राफ है जी की वैल्यू के वेरिएशन का, और ये ग्राफ भी सवाल में पूछा गया है। ठीक है, तो ये
चीज आपको ग्रेविटेशन ये जी की वैल्यू के बारे में ध्यान रखना है। वैसे आपके लिए उतना ज्यादा मुझे इंपॉर्टेंट लगता नहीं है, बट आप जानते रहिए क्योंकि इस चैप्टर में काफी अच्छा रोल है इसका, बाकी के पीजीटी एग्जाम्स में पूछा गया है। ठीक है, तो बस आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। और अगर कोई भी टॉपिक, कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी फार्मूला अगर बाई मिस्टेक आज की इस क्लास में मिस हो गया हो, नहीं आ पाया हो, छूट गया हो, तो उसको लेकर के हम अगली क्लास में ले आएंगे और उसी के ऊपर कुछ क्वेश्चन वगैरह करके प्रैक्टिस उसको भी रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, फिर आप लोग अपना ख्याल रखें और पढ़ाई करते रहें। थैंक यू, गुड नाइट।